Good evening, friends. We are done with 3 chapters. We did 3 chapters on, 3 lectures on time value of money. We now kickstart with the first formal chapter, that is leverage. So, it's the first chapter of financial management. Time value of money was there in your foundation mathematics. I just revised it. We'll be requiring it at a later stage. I gave you one question yesterday. I hope nobody should have been able to get the answer, because I wanted to introduce one concept through malum hai mujhe beta maine question diya tha tabhi maine frame kiya tha waise. So this is a very important principle which I wanted to introduce through the question. If you would have tried to solve it, you should not have got an answer. मैंने क्वेश्चन एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ रेट ढूंढने का बोला था. यू कैन कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर अर्निंग्स पर शेयर एंड बेस्ड ऑन दैट आई आस्क यू पीपल टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर. समझ लो मैंने क्या बोला था, ग्रोथ जो भी है वो परपेचुअल ग्रोथ रहेगा. परपेचुअल मतलब वहां से आगे कंटिन्यूअसली वही ग्रोथ रेट रहेगा. Perpetuity da. How do you get a present value of a perpetuity? Remember, there is a basic formula. Present value of a perpetuity is equal to first amount divided by TVM rate minus growth rate, divided by time value of money rate minus what, growth rate. ऐसा करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा. अब आपने पास्ट 10 ईयर्स का ग्रोथ रेट तो ढूंढ लिया होगा. CAGR ढूंढना मुश्किल नहीं है पास्ट 10 ईयर्स का. कैसे ढूंढोगे CAGR ऑफ पास्ट 10 ईयर्स? पास्ट 10 ईयर्स का CAGR जो है, आप 10 साल पहले का अमाउंट लोगे, अभी का रीसेंट अमाउंट लोगे और उसको फॉर्मूला में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको R आ जाएगा. तो फॉर्मूला ये था, FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R रेस टू N. ये था तुम्हारा फॉर्मूला किस चीज के लिए, CAGR निकालने के लिए. तो 10 साल पहले मैं आपको स्क्रीनर पे लेके जाता हूं. और हम HDFC बैंक सर्च करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, उसके ऊपर अर्निंग्स पर शेयर है. मार्च 22 का लेटेस्ट EPS है 68.62. यार ऐप अपडेट को चला गया. Just a second. Screen is not visible. Okay. Khush. Ho gaya screen visible? Maine kuch nahi formula likha tha. 68.62 is value of a share as on today. Earning per share as on today. 10 saal pehle kya tha? 10 saal pehle, matlab 2012 ke andar 11.18 tha. तो 11.18 क्या बोले, 13 लेना पड़ेगा. मार्च 2013 का EPS था 14.44 was earning per share.
दिस इज FY 12-13, दिस इज FY 21-22, आई होप यू गॉट इट। ये क्या है आपका? ये है आपका पास्ट के प्रॉफिट्स। वंस यू नो पास्ट प्रॉफिट्स, गेटिंग आंसर इज वेरी इजी। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1+R⁻¹0। ये जो आर आएगा ये है CAGR। पास्ट में आपके प्रॉफिट क्या रेट से ग्रो हुए हैं ये आप ढूंढ लोगे। तो आर इज इक्वल टू 16.87%। What is 16.87? CAGR. In the past, company has grown at this rate. I am saying that in the future, company will grow at 2% less. Please remember, this is not the only method of valuing stocks or valuing companies. Future growth rate, मैंने क्या बोला रे? 16.87 माइनस 2%, तो फ्यूचर का ग्रोथ रेट है आपका 14.87%। फ्यूचर का ग्रोथ रेट कम रहेगा, क्यों कम रहेगा है दिया है। तो दिस इज अ ईपीएस, लेटेस्ट ईपीएस। फ्यूचर का ईपीएस थोड़ा ज्यादा रहेगा। यू वांट टू फाइंड अ प्राइस एज ऑन टुडे, प्राइस एज ऑन टुडे, टुडे को बोलते हैं पी जीरो। टुडे को क्या बोलते हैं? पी जीरो। अगर आपने ये फॉर्मूला देखा था तो ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ मैंने आपको एक्सेल में दिया था कल। आप लोगों ने भी एक्सेल ट्राई कर लिया होगा। फर्स्ट अमाउंट कैसे आएगा? 68.62 मल्टीप्लाइड बाय 1.1487। अगले साल का ईपीएस इतना होगा। दिक्कत उधर नहीं है, दिक्कत इधर है। टाइम वैल्यू अपनी मैंने 13% दिया था ना, और ग्रोथ रेट 14.87 है। आंसर कैनॉट बी कैलकुलेटेड, निगेटिव आता है आंसर। शेयर प्राइस कैनॉट बी निगेटिव। अब बोलेंगे मतलब, इसका मतलब यह है कि सुन लो, कोर कॉन्सेप्ट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी ऑलवेज हायर देन द ग्रोथ रेट। व्हाई? फॉर दैट यू हैव टू वेट अंटिल आई कम डाउन टू गॉर्डन मॉडल। ये आपको क्वेश्चन में कभी आता नहीं ऐसे, ये एग्जाम में अभी तक जिंदगी में नहीं आया कॉन्सेप्ट। योर ग्रोथ रेट, सॉरी योर एक्सपेक्टेड रेट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी हायर देन द ग्रोथ रेट, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। जी ग्रोथ रेट, टी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी हायर देन द ग्रोथ रेट। लिखो उधर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी हायर देन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी हायर देन ग्रोथ रेट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी हायर देन व्हाट? ग्रोथ रेट। आप बोलेंगे क्यों सर? इट्स अ लॉजिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी ऑलवेज हायर देन द ग्रोथ रेट, हेंस वी कैन नॉट कैलकुलेट द आंसर। दैट्स ओके। चलो गिव द हेडिंग, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ न्यू चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर फॉर इंटरमीडिएट, ऑफिशियली मतलब क्या हेडिंग दिया तुमने? लिवरेज। इट्स अ गुड चैप्टर।
15 मिनट का है, तीन ही फॉर्मूलाज है, ये बिल्डिंग में शायद खत्म भी हो गया होगा, टाइम वैल्यू का वैल्यू नहीं उनको। हाँ, 10-10 क्वेश्चन भी हो गए इसके ऊपर सॉल्व करके। सो पब्लिक को वैल्यू कंसेप्ट नहीं ना, सीए कोर्स के बच्चों को, और ये बच्चे पास भी, मतलब पासिंग रेट इनका बहुत कम रहेगा। बच्चों तीन फॉर्मूलाज है, मुझे मैं आपको बोल सकता हूं बच्चों, देखो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स कॉस्ट ऐसा प्रॉफिट आता है, और मैं इधर सिचुएशन वन दिखाता हूं, सिचुएशन टू दिखाता हूं। अब ये सेल्स चेंज हो गए तो भी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, उसको लिवरेज बोलते हैं, और उधर से एक फॉर्मूला तैयार होता है। हो गया, यू कैन पास, अनफॉर्चुनेटली यू कैन पास, दैट इज हाउ पीपल लर्न। कोर प्रिंसिपल्स है फाइनेंस के जो इसके थ्रू इंट्रोड्यूस होंगे बच्चों, मुझे एक दो दिन लग सकते, एक हफ्ता मैं ले सकता हूं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आई हैव टू फिनिश द सिलेबस, सो नो बेटा, आई हैव टू मैनेज। क्या है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोले तो भी इन बच्चों को मतलब ऐसा अटैक आ जाता है। देखो, लिवरेज इज बेसिकली टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर्टन फैक्टर। इंडिया हैज अ लिवरेज ऑफ पॉपुलेशन, आप बोलेंगे हाँ एडवांटेज है अपने पास, जो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड यहां पर हो सकता है वो कोई दूसरे देश में हो ही नहीं सकता। पूरा यूरोप अपना मिला लो, उसके उतना डिमांड अपने सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। In my opinion, Uttar Pradesh population should be bigger than the entire Europe. So, जो potential अपने यहां पर है consumer goods के लिए, in terms of quantity, pricing उतना नहीं है but है। So, leverage का मतलब क्या है? English, first if I talk about English meaning, it is taking advantage of what? Of certain factor, it can be, I can call it as a population, है ना, population का advantage आ सकता है तुमको, या population का advantage है, geographical advantage हो सकता है, whatever। हम अभी company का बात करेंगे, हम country का बात नहीं करने वाला है कि यार इंडिया को ये चीज का एडवांटेज है ना, हम कंपनी का बात करेगा, बट कंपनी के बात पे थोड़ा सा बाद में आते, कौन सा फैक्टर आऊंगा मैं उसके ऊपर, सुनना पड़ेगा आपको दो ढाई घंटे। मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली ये चैप्टर सिखाने का जरूरत भी नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो अपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट किया ना, वो फॉर्मेट लिख के मैं तुमको तीन फॉर्मूला लिख के दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे फालतू के थर्ड क्लास एग्जांपल दे सकता हूँ जिसका कोई लिंक भी नहीं है चैप्टर से, बट तुमको ऐसा फीलिंग दे सकता हूँ मैं, लेकिन कि तुमको कॉन्सेप्ट आता है। मैं तुमको लिख के देता हूँ, 99% पब्लिक रियली डजंट नो द कॉन्सेप्ट, द ट्रूथ। तो इट्स अ टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर्टन फैक्टर। In case of a company, we'll talk about the specific factors. Let's not go down to the factors right now. Mathematically, leverage is a part of bivariate analysis. What word I used? Bivariate. Bivariate ka matlab kya hota?
एक मैथ्स का ब्रांच है, ये मैंने सिखाया था अगर तुमको छुट्टी वाले पर, ये नहीं सिखाया था ना? बाईवेरिएट एनालिसिस है, आपने बाईवेरिएट एनालिसिस का एक ब्रांच फाउंडेशन में सीखना शुरू किया था जिसका नाम था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बाईवेरिएट एनालिसिस। इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू टुक अ वेरिएबल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, अ वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक को डिपेंडेंट लिया था तुमने, एक को इंडिपेंडेंट लिया था, और वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लेके आपने क्या किया था? कुछ एनालिसिस किया था। कोरिलेशन वाज बेसिकली टेलिंग यू स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर फाउंडेशन किया होगा तो, या 11वीं 12वीं में भी आपने सीखा होगा। कोरिलेशन क्या बोलता है? दो वेरिएबल एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। किसने बोला ये? कोरिलेशन ने। रिग्रेशन क्या बोलता था? फॉर वन यूनिट चेंज इन अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ मच इज अ लाइकली चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फॉर अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ देयर इज वन यूनिट चेंज, हाउ मच इज अ चेंज इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल? हु टेल्स यू दैट? रिग्रेशन टेल्स यू दैट। वो कोरिलेशन रिग्रेशन था। डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू कोरिलेशन रिग्रेशन। वैसे आगे जाके डायरेक्ट फॉर्मूला है रिग्रेशन का, लेकिन पूछा नहीं अभी तक, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक मॉड्यूल में दिया ही नहीं, तो लोगों को मालूम ही नहीं था बीटा करके एक फैक्टर है। आई हैव सीन टीचर्स टॉकिंग बेटा बेटा बेटा, अ गुड नंबर ऑफ टीचर्स विल नॉट नो व्हाट इज दैट बीटा, पता भी नहीं रहेगा, बच्चा वहां पे सीख लेता है। बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क, हाउ यू नीड टू नो कोरिलेशन रिग्रेशन फॉर दैट। हमें अभी कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं करना, बहुत बेसिक लेवल का बायवेरिएट एनालिसिस करना है। बायवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स है। तो रिग्रेशन सॉरी लिवरेज में एक हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, और उनके बीच का रिलेशनशिप एनालाइज करेंगे, और कुछ एक फैक्टर रहेगा जिसका इंपैक्ट उन दोनों पे आएगा। तो दो वेरिएबल्स रहेंगे, व्हेनेवर वी हैव टू वेरिएबल्स वन ऑफ देम इज गोना बी डिपेंडेंट। ओके, दिस वेरिएबल मस्ट बी रिलेटेड। इफ दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, व्हाई द हेल आर यू डूइंग एनालिसिस? समझा गया? देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स विच आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग अ लेट अस से रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन क्रिकेट मैचेस विद द जीडीपी ऑफ इंडिया, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ लिंक बिटवीन दिस टू। यू आर ट्राइंग टू डू एनालिसिस, यू आर एन इडियट। वाई? देर इज नो लिंक। चलो दोनों वेरिएबल है, रन स्कोर डू नॉट रिमेन स्टैटिक, दे कीप ऑन चेंजिंग मैच बाय मैच और ईयर बाय ईयर। जीडीपी ऑफ इंडिया, डज इट रिमेन सेम? इंडिया का जीडीपी चेंज होता रहता है ना, तो वो भी वेरिएबल है। इंडिया का जीडीपी भी वेरिएबल है, विराट कोहली के रन भी वेरिएबल है, तो कोई भी दो वेरिएबल नहीं लेने गए। ये दो वेरिएबल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, वन ऑफ देम शुड बी डिपेंडेंट, वन ऑफ देम शुड बी। हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में से कुछ वेरिएबल्स लेंगे और एनालिसिस करने वाले हैं, बट बिफोर आई एक्सप्लेन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट टू यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर दैट, देन द लिंकेजेस बिटवीन दिस एंड देन द कॉन्सेप्ट विल इमर्ज। सुनना पड़ेगा, मतलब कौन से दो वेरिएबल लो अभी? इफ आई वांट टू टेक अ जीडीपी, आई कैन टेक अप सम हाउ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और लेट्स से आई कैन टेक अप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट हैपेंस इन इंडिया। आईआईपी एक इंडेक्स होता है, इंडिया में कितना इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन दैट हैपेंस इन अ कंट्री
विथ रेफरेंस टू जीडीपी, ऑब्वियसली बोथ आर वेरिएबल्स, आईआईपी का जो नंबर है और जीडीपी जो है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से लिंक्ड है, दिस वेरिएबल्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो क्या चीज का बात किया मैंने, बाईवेरिएट एनालिसिस बोला मैंने, एक वेरिएबल रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा दो वेरिएबल्स है जिनका मैं एनालिसिस करने वाला हूं। डू यू अंडरस्टैंड दैट, जिनका एनालिसिस मैं कंपेयर करके आंसर्स लाऊंगा। देखो, जीडीपी ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट रहेगा रे? जीडीपी, अब एक्चुअली दोनों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्लियरली विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट ये ढूंढना मुश्किल होता है, बट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन वी टेक अप जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ रहा है तो दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। चलो इतना हाई लेवल नहीं जाते अपने, तुम्हारे लेवल पे आते हैं। सेल्स ऑफ अ कंपनी एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मुझे बोलो कौन सा चीज किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन, समझ गया, एडवर्टीजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया सेल्स, जनरली स्पीकिंग। व्हाई? समबडी मे से ओ, अगर मेरा सेल्स कुछ रिएक्ट बढ़ ही नहीं रहा है तो आई विल नॉट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, ऐसा बोल सकता है कोई? But that means he is saying, I want sales to be independent and advertisement to be, बोल सकते हैं, but generally ऐसा होता नहीं है। Generally आप advertisement पे independently पैसा खर्च करते हो and then you look out the impact of advertisement on sales. Are you clear on that? Thank you. अब ऐसे ही मुझे दो वेरिएबल्स लेने हैं और एनालिसिस करना है, तो दो वेरिएबल कहां से लेने वाले हम? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में से, इनकम स्टेटमेंट में। आपको जो पीएनएल अकाउंट है उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करने वाला हूं। सीए कोर्स में बहुत सारे आइटम उसमें से गायब भी हो जाते हैं, आए ही नहीं अभी तक इंडिपेंडेंस से लेके। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 99.99% ऑफ द सी एज विल नॉट बी सी एज, टीचर्स की बात और बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूं। इफ आई गिव यू रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड आई आस्क यू टू कैलकुलेट दीज लिवरेजेस, आप बोलेंगे यार ये एग्जाम में कुछ तो अलग ही रहता है, रियल लाइफ कुछ अलग ही है, पूरा अलग है। यू विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू कैलकुलेट अनलेस अंटिल यू हियर इट आउट फ्रॉम मी। मैं बोलूंगा तुमको, ऑब्वियसली बोलूंगा, ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू अडेप्ट योर ब्रेन, बिकॉज यहां पे जो मैं क्वेश्चंस आपको जिस फॉर्म में देने वाला हूं ना, और रियल लाइफ जीरो लिंक है, रियल लाइफ पूरा शरीर थ्री है, ये कुछ अलग ही है, ये गलत नहीं है। आपको सिर्फ रियल लाइफ का डेटा को क्या करना है, एडजस्ट करना है, मोल्ड करना है। तो हमें दो वेरिएबल का एनालिसिस करना है, इतना तो फिक्स हो गया, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है। क्यों करना चाहते हैं हम ये? हम इसलिए करना चाहते, आई वॉन्ट टू नो, लाइन सुनो ठीक से, दिस इज पंच लाइन, वी वॉन्ट टू नो परसेंटेज चेंज इन अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर 1% चेंज इन अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। What do we wish to know? Percentage change in a dependent variable for what? 1% change in. Wow, that's too good. So this leads me to a wonderful formula, leverage, mathematically. In English, what do you say leverage meaning? In English, leverage means basically taking advantage of a certain factor. But in mathematics, if I want to put it, it is percentage change in dependent variable
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये बेसिक फॉर्मूला है किस चीज का, लिवरेज का बेसिक फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल मैं 2 साल का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखता हूं यहां पर. वी जस्ट नीड टू फिगर्स. इफ देयर आर मोर देन टू फिगर्स वी कैनॉट डू एनालिसिस. सो दिस लिवरेज इज नॉट अ वेरी वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. इससे जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन द मैथमेटिक्स. बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू फोकस ऑन मैथमेटिक्स एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग से. तो मैथ्स से ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस कहां पर देना, कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस दो. मैथ्स बहुत बेसिक लेवल का है. 2021-2022 आई सेड माय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वॉज 300 लाख. नेक्स्ट ईयर माय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वॉज 410 लाख. माई सेल्स वे बेसिकली आई से 4,620. Here my sales were 6,790. And I want to calculate a leverage. Which one is a dependent variable? Advertisement is. So, hum kya karenge? Percentage change nikalenge. How do you calculate percentage change? Aapko itna aana chahiye, basics into 100. This is a percentage change in sales. Oh, sorry, advertisement 36%. 36.66% is a percentage change in what? Advertisement. Is what? Percentage change in what? Sales. तो मैंने 36% से मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर चेंज किया, उससे मेरा सेल्स 46% चेंज हुआ. सो बेसिकली वॉट वी आर सेइंग इज फॉर एवरी, अभी ऐसा रिलेशनशिप परफेक्ट कभी होता नहीं है, पहले चीज दिमाग में रखो. मैं आपको मैथमेटिकल मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं. So this is basically trying to say for every 1% change in advertisement, your sales have gone up by 1.28. 46.96 divided by what? 36.66. For every, what does 1.28 means? 1.28 is known as a leverage. बट ये लिवरेज का मतलब क्या है? इट इज, बोलो, इट इज चेंज इन, बोलो, चेंज इन सेल्स ड्यू टू 1% चेंज इन व्हाट? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में 1% का मैंने क्या किया? इंक्रीज किया. तो मेरा सेल्स कितना बढ़ता है? 1.28% से बढ़ता है. माय सेल्स जंप अप बाय 1.28 फॉर एवरी 1% चेंज इन व्हाट? एडवर्टीजमेंट. आर यू क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस? यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर. यस नो? थैंक यू. ओके, अब देखो ये आ गया तुम्हारा सेल्स का कॉन्सेप्ट, हो गया तुम्हारा लिवरेज. चौको है कि नहीं? बनो चौको है. अब करना क्या है? अब इसी को इंस्टेड ऑफ सेल्स एडवर्टीजमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ आइटम्स को लगाऊंगा तो एनालिसिस बहुत खतरनाक हो जाएगा. 1.28 समझाना है सबको. So, what is a godfather formula for leverage? Percentage change in a dependent variable divided by percentage change in a. So, it tells you link between two variables. दो variable के बीच का link जो है वो आपको establish करना है. Clear है क्या? अब मैं क्या करूंगा? I am gonna link it
विथ रेफरेंस टू पी एंड एल आइटम्स, बट मैं पी एंड एल को टी फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करूंगा, पी एंड एल को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना। ये क्या है मेरा इनकम स्टेटमेंट है, हा ना, दिस इज माय इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स रुपीज। मैं कुछ एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो फर्स्ट इन अ इनकम स्टेटमेंट आई शुड प्रेजेंट माय रेवेन्यू, बट आई गेट अ रेवेन्यू फ्रॉम टू सोर्सेस, वन इज अ कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड सेकेंड इज अ नॉन कोर रेवेन्यू। नॉन कोर मतलब नॉन ऑपरेटिंग, नॉट फ्रॉम योर कोर सोर्सेस। तो जो नॉन कोर है उसको मैं थोड़ा नीचे जाके लिखने वाला हूं, वो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। तो पहले हम चालू करते हैं सेल्स से। सेल्स मतलब अपना ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो कोर तुम्हारा धंधा है वो। यू कैन बी डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ अ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, और उसका सम टोटल लेने का है। क्वांटिटी इनटू रेट, 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 टोटल। समझा? ये आ गया तुम्हारा सेल्स माइनस व्हाट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बाय द वे यहां पर एफएम में कभी भी इन्वेंटरी आता नहीं है, वो कॉस्टिंग में था, हमको मालूम ही नहीं इधर स्टॉक रहता है। एफएम के कोई भी क्वेश्चन में लिवरेज के मैंने आज तक हिस्ट्री में इन्वेंटरी नहीं देखा। आ गया तो फिर होने का नहीं कुछ, क्यों? यू शुड टेक अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ व्हाट? गुड सोल्ड। क्यों? देयर शुड बी मैचिंग। तो आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे कॉस्टिंग के, कौन सा कॉस्ट इन्वेंटरी में इंक्लूड करना है, कौन सा कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग। कहां से सीखे हो, कैसे सीखे हो, मुझे नहीं मालूम। मैंने सीखा होगा तो मैंने ये कंसेप्ट उस प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट पक्का सिखाया होगा, वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो जाने दो, इन्वेंटरी आता नहीं, इधर टेंशन नहीं लेने का, मैं सिर्फ आपको बोला ऐसा आ सकता है, आता नहीं एफएम में, नहीं आता उधर, कॉस्टिंग में आएगा। और कॉस्टिंग में आएगा तो आपको कैसे याद करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो तुमको मालूम है। सो सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। किस चीज का वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे? जो गुड्स आपने सेल किए ना उनका। डू नॉट डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, डिडक्ट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स। समझा? वेरिएबल कॉस्ट कौन सा? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है, वेरिएबल प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट हो सकता है परचेस, वेरिएबल एडवर्टीजमेंट हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकता है, कुछ भी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग इज इट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इज इट वेरिएबल और नॉट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सिलेबस के लिए? वेरिएबल कॉस्ट वेरीज ऑन पर यूनिट बेसिस, इट वेरीज विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी सोल्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको हजार बार सिखाया होगा, प्राइस लेवल चेंजेस एंड वॉल्यूम लेवल चेंजेस क्वांटिटी के, इन दोनों को हमेशा सेग्रीगेट करना। आई से सेल्स गो अप बाय 10%, विल वेरिएबल कॉस्ट गो अप बाय 10%? नॉट नेसेसरी। टिपिकली सीए कोर्स को सेल्स गो अप बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट गोस अप बाय 10%। क्यों? आईक्यू उतना रहता है, सेल्स 10% से बढ़ गया इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगा। अब बोलेंगे क्यों सर, हमको तो सिखाया था ना वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद रेफरेंस टू सेल्स। अरे गधे, अगर सेल्स तेरा 10% से बढ़ गया इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स क्वांटिटी बढ़ गया ना, इट कुड हैव गॉन अप बिकॉज ऑफ सेलिंग प्राइस गोइंग अप ना, व्हाई शुड वेरिएबल कॉस्ट चेंज? तो आपको क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो सीए कोर्स का बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है सेल्स गो अप बाय 10%, मतलब सेल्स क्वांटिटी गोज अप बाय 10%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ा देने का टंट लोगों का अजम्पशन होता है। तो प्लीज रिमेंबर, सेल्स गो अप बाय 10% डज नॉट मीन वेरिएबल कॉस्ट गोज अप बाय 10%। क्यों रे? सेल्स कुड गो अप बिकॉज ऑफ
सेलिंग प्राइस, समझा करे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हम उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेटेड बाय सेल्स टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। सेल्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट किया किसके लिए? फिक्स कॉस्ट के लिए, टू मीट दी फिक्स कॉस्ट फ्रॉम योर सेल्स यू हैव जनरेटेड सर्टन कॉन्ट्रीब्यूशन। कुछ समझा गए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन। तुमने कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर लिया है ना, यू जनरेटेड सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेट, देयर कैन बी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आल्सो। अब डेप्रिसिएशन भी रहता है, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, समझा? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट डजंट वेरी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी, बट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू टू फैक्टर्स। मैं कुछ कमेंट्स पास कर रहा हूं, सुन लेना ठीक से। मैंने पहले वेरिएबल कॉस्ट का कमेंट पास किया, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम ऑन अ पर यूनिट बेसिस, सो इफ क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट ऑन टोटल बेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस, बट रिमेंबर इन रियल लाइफ यू डू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्वांटिटी सोल्ड आपका अगर बढ़ गया 25% से, वेरिएबल कॉस्ट माइट नॉट राइज बाय 25%, वेरिएबल कॉस्ट माइट राइज बाय जस्ट 22% बिकॉज ऑफ व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, समझा? फिक्स कॉस्ट क्या है? ये फिक्स रहता है, इट डजंट वेरी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी, बट मैंने बोला फिक्स कॉस्ट चेंज होता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, प्राइस लेवल चेंज, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ईयर ऑन ईयर प्राइस लेवल सेम रहता है, अरे करंट ईयर में जो तुमने इंश्योरेंस लिया है और अगले साल जो इंश्योरेंस लोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम सेम रहेगा क्या? नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉर्मली अ फिक्स कॉस्ट, इट डजेंट वेरी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी सोल्ड। बट इंश्योरेंस प्रीमियम ईयर ऑन ईयर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया तुम्हारा? फिक्स कॉस्ट है, इट इज नॉट वेरिएबल, बट वो चेंज हो रहा है। तो डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन ओके इन एग्जाम इट विल बी फिक्स, जाने दो, मैं तुमको स्ट्रेस आ रहा है तुमको, तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा ईयर वन ईयर टू, फिक्स कॉस्ट इट चेंजेस बिकॉज ऑफ नंबर वन प्राइस लेवल चेंज। सैलरी इस साल दी, अगले साल सेम रहेगी क्या? बट अपने इधर, अरे बच्चों को तो हम दिमाग ही एनालिटिकल ब्रेन ही नहीं करना चाहते, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। And that is why majority CS students cannot understand leverage. क्यों? इधर ये पूरे चैप्टर में हम फिक्स कॉस्ट को फिक्स रखने वाले, बट मोमेंट यू गो ऑन टू रियल लाइफ एंड यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग लिवरेज द वे यू आर डूइंग हियर, ट्रस्ट मी 99.99% CAs विल फेल। मैं बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है इस चीज के लिए, फिक्स कॉस्ट को फिक्स रखने के लिए। मैं अभी आपको कॉलम बना के नहीं ला, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री फिक्स कॉस्ट तुम्हारा, और फिर मैं जो फॉर्मूले लगा के एनालिसिस बोलूंगा ना, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अजम्पशन जो एनालिसिस है दैट होल्ड्स ट्रू ओनली इफ फिक्स कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, बट इन रियलिटी फिक्स कॉस्ट चेंजेस नंबर वन बिकॉज ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। नंबर टू, वन मोर रीजन वाई फिक्स कॉस्ट चेंजेस, कैपेसिटी। तुम्हारे जो प्लांट की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या कॉन्स्टेंट रहती है? यूटिलाइजेशन, कैन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेंज फ्रॉम ईयर ऑन ईयर बेसिस? यस, व्हाई नॉट? आउट ऑफ माय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ लेट्स से 10,000 यूनिट्स, आई प्रोड्यूस 7,000 यूनिट्स इन द करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर आई प्रोड्यूस 9,000 यूनिट्स। एज आई चेंज माय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देयर माइट बी सर्टन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज फॉर अ सर्टन capacity, it might be for exact capacity or it might be for a range of capacity, but aisa nahi hai ki tum 1000 unit banao, tum 5000 unit banao, tum 50000 unit banao, tum 70000 unit banao, fixed cost fix, wo capacity change hota hai year on year,
डज अ फिक्स कॉस्ट चेंज ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस? आंसर दैट इज बिग बिग यस। बाय द वे ये एनालिसिस आपको शेड्यूल थ्री में मिलेगा ही नहीं। याद होगा तो मैंने नायका का एग्जाम्पल दिया था ग्रुप वन अकाउंट्स में। शेड्यूल थ्री डज नॉट शो द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिरेक्ट इनडिरेक्ट, डज नॉट शो द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल फिक्स। शेड्यूल थ्री इज अ फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट यहां पर हमें चाहिए डेटा वेरिएबल एंड फिक्स, तो कहां से लोगे? एज अ एक्सटर्नल इन्वेस्टर यू हैव टू मेक सर्टन अजम्पशंस कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। वो अजम्पशन कर कर ही तुमको लिवरेज का नंबर निकालना पड़ेगा। Without assumptions in real life, you cannot get it. हाँ, obviously, if you are a part of management, you'll have the data. कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमें वेरिएबल फिक्स के फॉर्मेट में लगता है। अब ये जो नंबर आएगा इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अब तक ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर अप हो गए सारे, तो तुम्हारे सारे के सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। बच्चों कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, और रेवेन्यू भी मैंने कौन सा लिया? ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिया है। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिया क्या मैंने अब तक? नहीं। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आने वाला है, कहां पर? नीचे आएगा ना, हैव। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका और एक नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, ये दूसरा नाम है। Earning before interest and tax. Are you clear with this word? It's basically operating profit. Earning. Earning is profit before interest and tax. Lot of people do not look at EBIT. People look at EBITDA. What they look at? EBITDA kya hai? Ye jo fixed cost hai na, is fixed cost mein depreciation included hai. Agar main fixed cost mein depreciation na lu, अमोर्टाइजेशन भी ना लू, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट्स का रहता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में माइनस ना करू, तो मुझे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इट विल बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एबिटडा ये आपको देता है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। चरस गांजा की बात नहीं कर रहा हूं, चर्सी पब्लिक जिधर कोई होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज गोना बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये जो है ना ये ओपीएम है, लाइक जीपी रेशो आप निकालते हो, ओपीएम परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। रियल लाइफ में लोग ईबीआईटी नहीं देखते हैं बच्चों, रियल लाइफ में लोग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखते हैं। आप बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का जो अमाउंट रहता है ना वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, दैट इज ड्रिवन बाय योर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस इट इज अ नॉन कैश आइटम। तो लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ वॉट? सेल्स। ईबीआईटी समझा तुमको? अब मैं कुछ आइटम बोल रहा हूं इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, ये अपने सिलेबस में कभी भी नहीं आएगा, आ गया तो तुम लोग फेस कर सकते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यू कुड हैव अर्न्ड अ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर कोर बिजनेस। इफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज योर कोर बिजनेस देन द डिविडेंड विल बी ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया मेरा, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिंदास हो सकता है। लेस इंटरेस्ट मैंने माइनस नहीं किया था ना, इंटरेस्ट ऑन डेट मैं माइनस कर लूंगा। इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ना, तो अब आता है ये सारे एडजस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग वाले एडजस्टमेंट करके आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबी
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कुछ समझा गया? ये आ गया मेरा पीबीटी, इसमें सम क्या माइनस करेंगे? टैक्स। ये इंटरेस्ट ऑन डेट कहां से निकलेगा रे? लोन अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट। लोन अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन डेट, बट इन रियल लाइफ ऑब्वियसली लोन अमाउंट विल नॉट बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। लोन अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग। इन सीए कोर्स लोन अमाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब बोलेंगे क्यों सर? अरे आप लोन का मंथली रीपेमेंट करते जाओगे ना, when you keep on doing monthly repayment, how will the loan amount remain? मतलब देखो तुम कितने सारे skills तुमको, मतलब loan interest on debt will keep on declining amount month on month। ये year का statement है, तो आपको loan amount into और average loan amount लेना पड़ेगा आपको, less what? Tax। कौन सा tax है? Income tax। अभी जो टैक्स पीएनएल को डेबिट होता है ना, वो कभी भी इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं होता है। योर डेबिट टू पीएनएल शुड बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इनकम। ये ग्रुप टू अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट सीखोगे आप। डेफर्ड टैक्स करके एक स्टैंडर्ड, टैक्सेस ऑन इनकम करके एक स्टैंडर्ड है, डेफर्ड टैक्स करके एक कॉन्सेप्ट है, ग्रुप टू अकाउंट्स। टैक्स कैसे निकालोगे? अपने को बहुत सिंपल है, टैक्स रेट दिया रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू टैक्स रेट, खत्म। सेस वगैरह कुछ ऐड नहीं करने का, इनकम टैक्स का लेक्चर नहीं है। अगर उन्होंने सेस स्पेसिफिकली दिया तो सेस ले लो, बट डोंट ऐड द सेस टू द टैक्स रेट। सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स, तो टैक्स रेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा, नीचे टैक्स रेट दिया रहेगा, वो टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करने का, बात खत्म। कितना भी रेट हो, 10% हो, 50% हो, कुछ भी हो, इसको हम बोलेंगे क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। नहीं, डायरेक्ट डिवाइड मत करो, आपके पास एक हाइब्रिड सोर्स भी हो सकता है। क्या बोलते हैं हाइब्रिड सोर्स को? प्रेफरेंस शेयर्स। सो लेस व्हाट? प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियसली preference dividend on preference shares, समझा क्या? preference dividend on preference shares मैंने माइनस किया, तो क्या आएगा रे बच्चों? This is profit which is available for whom? Equity shareholder। preference shares अगर रहेंगे तो preference shareholder को priority देना पड़ेगा तुमको, तो मैं क्या ले लूंगा? earnings available for whom? ESH equity shareholder। हम मैं इसको बोलता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए EAES, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, EAES। ये EAES किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब आप इसमें से डिविडेंड देना चाहते हो, डिविडेंड दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, आपकी मर्जी। प्रेफरेंस डिविडेंड तो कंपलसरी है। अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा रे हमको बच्चों? अर्निंग्स पर शेयर। ये फॉर्मेट है, सो देयरफॉर अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर कैसे आएगा? ये यस divided by what? Number of shares। EAS divided by number of shares। क्या आता है उसे? Earnings per share। EAS divided by number of shares is gonna give you earnings per share। Do you understand earnings per share? Thank you। So earnings per share, are you crystal clear about it? What does it tell you? How much profit have you earned for one share in one year? For one share. अब ये EPS इतना आसान नहीं होता है, और क्यों? Number of shares can keep on changing during the year. तो उसका क्या करना है? Group 2 accounts में AS 20 है, which is on EPS calculation.
तो उधर जाके आएगा, ठीक है, बट यहां पर कंसेप्ट ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया रे, हमने एक्सपेंसेस जो थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या किया मैंने ऑन योर स्क्रीन, चलो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग डिवाइडेड फर्दर इनटू टू पार्ट। अरे वो ये बोलने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा ही कर सकते हैं ना बस, मतलब थोड़ा इधर रट्टा, कितना रट्टा आदत हो गई तुम लोगों को साला बेशरम कमीने। कॉस्ट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फिक्स के अंदर भी कैश फिक्स रहता है, नॉन कैश रहता है। सीए कोर्स में नॉन कैश इबिडा ना ऐसा नहीं करेंगे हम, वेरिएबल फिक्स, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। समझा गया? तो हमने क्या किया, पहले वेरिएबल कॉस्ट लेके कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला। अपने सिलेबस में फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। मैंने रियालिटी बोलिया तुमको, तुमको ट्राई करने, मतलब तुम पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैं तुमको एक क्वेश्चन सिर्फ ये बोलेगा ये कंपनी है, इसका मेरे को ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके दिखाओ। कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि जो फॉर्मूला मैं तुमको सिखाने वाला हूं उसमें मैं बोलने वाला हूं फिक्स कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट। है, बट उसको मैं चेंज करके भी दिखाता हूं तुमको। फिक्स कॉस्ट सेम नहीं रहा तो भी तुम इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कर सकते हो, लिवरेज के लिमिटेशंस भी है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, इंटरनेट के लिमिटेशंस भी है बट उसका अच्छा यूज भी है। जैसे लिवरेज के भी, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद लिवरेज एनालिसिस। इट अज्यूम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद लिवरेज इज इट अज्यूम्स द फिक्स कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट। विदाउट फिक्स कॉस्ट बीइंग कॉन्स्टेंट लिवरेज एनालिसिस कैनॉट वर्क। बट उसका अच्छा वाला पार्ट जो है ना, बहुत तुमको ट्रू कॉन्सेप्ट सामने तुम्हारे प्रेजेंट करेगा। विल डिस्कस लॉट अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक मैं जो शुरू हुआ हूं, मतलब I'll require about 5-6 hours to discuss the concepts. And for your information, you can solve all the questions in a maximum about 4 hours. And you can solve majority of the questions on your own. I'll make you capable. You can make a mistakes. Mujhe koi dikkat nahi. If I start solving the problems right now, which I can do literally, you'll solve few questions ऑन योर ओन। मुझे सॉल्व करते बैठना पड़ेगा, लेकिन तुमको फीलिंग आएगा हमने कितना प्रैक्टिस करवाया। ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझा तुमको। अब थोड़े से रेशियो समझ लेते हैं इसके ऊपर बिफोर आई, मैंने अभी तक लिवरेज शुरू नहीं किया है फॉर्मूला। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से कुछ एलिमेंट हम उठा के लिवरेज एनालिसिस करेंगे, बट वो एनालिसिस को थोड़ा मैं बाद में जा रहा हूं। मुझे कुछ एक रेशोज चाहिए धंधा समझने के लिए, और ये सारे रेशो सिलेबस में है। आपको अगर लग रहा है मैं आउट ऑफ द सिलेबस सिखा रहा हूं, नहीं, सिर्फ तरीका सिखाने का मेरा अलग है और यूनिक है। मैं इन रेशो, इसके ऊपर मैं रेशोज निकल रहा हूं। पहला चीज मुझे बोलो, मैंने जितना प्रॉफिट कमाया, इज इट नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट? नो, आई माइट डू एंटायर प्रॉफिट्स बींग प्लाउड बैक, आई माइट पे पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, इसके ऊपर बेसिक रेशो, चलो शुरुआत बेसिक से करता हूं जो तुमने सीखे होगे फाउंडेशन। तुम ग्रुपों में शायद बोले थे मैंने, पहला है डिविडेंड पे आउट। ये क्या बोलता है, तुम्हारे प्रॉफिट में से कितना पैसा तुमने डिविडेंड के फॉर्म में पे आउट कर लिया। अब दिक्कत यह है, ये कैलकुलेट करने के लिए आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए करोगे तो फॉर्मूला अलग आएगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस करोगे तो फॉर्मूला अलग आएगा। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूला देता हूं, डिपेंड्स। आई कैन राइट इक्विटी डिविडेंड, ये क्या है इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट है, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक गधा था इधर बोल रहा था नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी डिविडेंड
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स के, तो डिविडेंड पर शेयर आएगा। मैंने क्या लिखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये क्या बता रहा है, तुम्हारा ईएईएस में से कितना परसेंटेज प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इक्विटी डिविडेंड प्लस व्हाट, प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों डिविडेंड ले लूंगा मैं न्यूमरेटर के अंदर, डिवाइडेड बाय पैट। क्यों, नाउ आई कैन नॉट टेक ईएएस, मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कितना मैंने इक्विटी डिविडेंड के फॉर्म में पे किया, कितना प्रेफरेंस, मतलब कितना टोटल डिविडेंड, न्यूमरेटर इज व्हाट, टोटल डिविडेंड, तो इतना टोटल डिविडेंड है मेरा आउट ऑफ प्रॉफिट। कैन दिस रेशियो बी मोर देन 100%? कैन यू पे डिविडेंड मोर देन द प्रॉफिट, यस और नो? आंसर इज यस। ग्रुप वन लॉ सेक्शन 123 ग्रुप वन अकाउंट्स में भी सिखाया था यार, है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स और रिजर्व्स रूल्स थे, बट रूल कब अप्लीकेबल नहीं होता वो भी याद रहना चाहिए आपको। देर आर लॉट ऑफ सिचुएशन वेर दैट रूल इट सेल्फ इज नॉट अप्लीकेबल। सो कैन दिस रेशियो पे आउट रेशियो बी मोर देन 85% यस देर कैन बी। सेबी हैज मैंडेटेड इंडियन कंपनीज टू प्रेजेंट देयर पॉलिसी ऑन पे आउट। They don't have to mention the exact percentage, but they have to give the factors which they consider while distributing profits by way of a dividend. Now, if you recollect accounts lecture buyback of shares, I told you dividend is one of the method of giving money back, profit back to the investors. Buyback is another method of giving money back. So instead of distributing a dividend, can you do buyback also? Yes. Buyback mein bhi kya hota hai? जो प्रॉफिट कमाया वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ट्रीट किया जाता, इट इज ट्रीटेड एज रीपर्चेस ऑफ शेयर्स। समझा क्या? तो ये पे आउट रेशियो क्या बोलता है, इफ आई से पे आउट रेशियो इज 30%, व्हाट डज इट मीन, आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स 70% इज प्लाउड बैक, एंड दिस इज वेयर परपेच्युटी के फॉर्मूला में जो ग्रोथ रेट था ना, दैट ग्रोथ रेट इज डिसाइडेड बाय दिस रेशियो। अब बोलेंगे कहां से कहां चले गए तुम यार, इधर उधर 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 क्या चल रहा है? वही तो, ब्रेन आईक्यू है तुम्हारे पास, सिर्फ उसको रियलाइज करो। सिर्फ फॉर्मूला के लिए तुमको कोई मार्क्स नहीं देगा, क्यों? गूगल के पास भी फॉर्मूला है, ओपन एआई आ गया है, हमने यूज ओपन एआई, चैट जीपीटी 3, the third class level of the public, about 5-6 students know chat GPT-3. This has revolutionized the mankind completely, and people don't even know. This month or last day of the last month, OpenAI, a company where Microsoft had invested $1 billion, which has now become $20 billion, has changed for your, maine wo screenshot bhi diya tha tumko group pe. And I was telling the students since ages about this. Oh, बच्चों को आज जाके समझा, 2017 के बैच के बच्चों पर boss majority, trust me, 20% of the job that a chartered accountant does, bare minimum, is gonna be redundant, is gonna be done by machine, is gonna be done by machine. So better you improve yourself. चैट जीपीटी 3 करके एक चैट प्रोग्राम चालू किया है ओपन एआई ने, यू आस्क एनी क्वेश्चन टू इट, इट विल गिव यू आंसर विदाउट अ सर्च इंजिन। इट मेक्स लॉट ऑफ ब्लंडर्स, इट विल नॉट रिप्लेस दोज ह्यूमन बीइंग्स हु आर इनटू एनालिटिकल रोल, बट दोज ह्यूमन बीइंग्स हु आर इनटू द टिपिकल स्टैंडर्ड रोल, दे विल बी किक्ड ऑन देयर एस एंड बीइंग थ्रोन आउट। Unfortunately, our education system is not producing people for being analytical. Whether it is classes or college or university or other things, it's all nonsense crap. In school colleges, you are basically doing what? Memories. CA course also large extent
पीपल आर डूइंग मेमोरी, बट आप स्किल्स गैदर करो। वो जो काम है वो तो गूगल सर्च इंजिन कर लेगा, एनालिटिक्स वाला जो काम है उसमें से भी बहुत सारा रिसर्च का जो काम है वो चैट जीपीटी 3 करेगा, और उसके जैसे बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज मॉडल्स आ जाएंगे, बहुत सारे मॉडल्स आ जाएंगे। दिस इज जस्ट बिगिनिंग नाउ। नेक्स्ट 5 to 10 years द डेटा दैट ओपन एआई विल गैदर, 5 to 10 नहीं, इन 1 year दे विल बी सुपर सुपर कूल। राइट नाउ दे आर मेकिंग लॉट ऑफ ब्लंडर्स, आई टेस्टेड इट आउट, आई प्लेड अबाउट 1 hour विद इट, इट मेक्स लॉट ऑफ ब्लंडर्स। इन माई केस वॉट एवर क्वेश्चन आई रिसर्च 80% ऑफ द केसेस इट मेड अ मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई रिटन वेरी केयरफुली। गूगल कैनॉट रिप्लेस अवर कंप्यूटर, कैनॉट रिप्लेस अ ह्यूमन बींग, बट नॉट ऑल। गूगल कैन रिप्लेस लॉट ऑफ इडियट्स, द टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस लॉट ऑफ इडियट्स। आपको समझना चाहिए पे आउट। अब ये क्या बोला मैंने, मैंने आपको क्या बोला, पे आउट रेशो जो है 30% मेरा पे आउट है, इसका मतलब क्या है, 70% प्रॉफिट मेरे प्लाउ बैक हो रहे, इससे तुम्हारे ग्रोथ पे इंपैक्ट आता है। और ये चीज ह्यूमन बींग ने, गॉर्डन ने 1950s में लिख के रखी है, सिलेबस में भी जी है। मैंने उस दिन बोला था ना, व्हाट्सएप डीपी विथ पार्ले जी, जी माने गॉर्डन ग्रोथ। तो बच्चों पे आउट रेशो अफेक्ट्स ग्रोथ, सिंपल लॉजिक देखो। दो कंपनी है, एक कंपनी 30% प्रॉफिट प्लाउ बैक कर रहा है, दूसरा कंपनी, माय मिस्टेक, एक कंपनी 30% डिविडेंड दे रहा है, 30% ऑफ प्रॉफिट, दूसरा कंपनी 50% प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में दे रहा है। तो पहला वाला जो कंपनी है इट विल ग्रो फास्टर, सेटरिस पैरिबस, अज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स बींग। आप बोलेंगे क्यों सर पहला कंपनी ज्यादा ग्रो करेगा, अरे पहला कंपनी 70% प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा कंपनी 50% प्रॉफिट ही प्लाउ बैक कर रहा है। चैट जीपीटी 3 डजंट वर्क ऑन अ मोबाइल, सो डू नॉट ट्राई इट ऑन अ मोबाइल, इट वर्क्स ओनली ऑन लैपटॉप, एटलीस्ट हैव दैट मच ऑफ ब्रेन टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, न्यूरल रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड एंड न्यूरल इंजिन दैट इज रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल इन अ मोबाइल फोन। सो पहले कंपनी ने कितना परसेंट प्रॉफिट दिया, 30%, तो 70% प्रॉफिट उसने धंधे में रीइन्वेस्ट किया और दूसरा कंपनी कितना रीइन्वेस्ट कर रहा है, 50%। ऑब्वियसली पहला कंपनी ज्यादा ग्रो करेगा क्योंकि वो ज्यादा पैसा रीइन्वेस्ट कर रहा है। तो दीज आर द वेरी वेरी क्रिटिकल ड्राइवर्स। एक से फैक्टर इंप्रूव करूंगा, लगभग एक महीना लगेगा, अबाउट 25-30 लेक्चर्स आई विल नीड। बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ बेसिक ऑफ हाउ अ वैल्यू इज क्रिएटेड, कंपनीज कैसा वैल्यू क्रिएट करता है वो तुमको समझना चाहिए। यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड देन यू कैन डू द फिल्टरेशन ऑफ व्हाट, वेयर शुड यू पुट द मनी एंड वेयर यू शुड नॉट पुट द मनी, कहां पे बेट लगाना कहां पे नहीं लगाना वो आपको समझना चाहिए। ग्रोथ रेट समझा कर तुमको, ग्रोथ रेट इज गोना बी डिपेंडेंट ऑन दिस रेशियो एंड प्लस मोर फैक्टर्स इन ड्यू कोर्स आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या बोला मैंने, डिविडेंड पे आउट रेशियो, व्हाट डज इट टेल यू, हाउ मच प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। ये हमें कौन बोलता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो हाय, क्या इंस्टाग्राम स्नैपचैट बोलना, ऑनेस्टली चैट जीपीटी सर्च कर रहा है, मैंने अभी अभी बोला उर्दू में, मोबाइल पे नहीं हूं, लैपटॉप चाहिए उसके लिए। डिविडेंड, बच्चों मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, ये चैट जीपीटी चलो एक है, ब्लॉकचेन देर आर, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में मेरा दोस्त है मैथ्यू थॉमस करके, इज इंप्लीमेंटिंग द एंटायर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट फॉर अबाउट 100 ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इज वर्किंग, इज अ पार्टनर ऑफ EY,
मिडल ईस्ट पूरा देखता है. एज पर हिज कैलकुलेशन ही इज राइट नाउ दे आर एम्प्लॉइंग अराउंड 300 अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टाफ और फाइनेंस स्टाफ. ही सेज आई विल नीड अबाउट 100 ऑफ देम ओनली. और जो कुछ कुछ कंपनीज जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे, ही सेज आई विल नीड ओनली अकाउंट एनालिटिकल प्रोफेशनल्स. आई विल नॉट नीड एनीवन टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स और एनीवन एनीथिंग लाइक दैट. The number of staff requirement will come down drastically and people who are into analytics will increase. इससे job जाने वाले हैं लेकिन दूसरे जगह पे job create भी होंगे. कहां पर job create होंगे? Analytics के अंदर बहुत सारे jobs create होंगे. क्यों? जितना data आएगा ना उतना मेरा analytics करने का capability बढ़ता है. Because I remember myself, let's say something around 14, 15 years ago when I had to make an investment, search करने के लिए ज़्यादा resources ही नहीं रहते थे. We had very limited resources available for searching. But today, the tools that are available with the data are huge and that will increase 10 years down the line. 10, 20 years down the line, it will increase substantially. तब जाके मैं तुमको बोलता हूँ, अगर ICI बदली नहीं, trust my words, आज 50% CS को campus में job नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे मतलब वो आएगा 20-30% पे. अगर इंस्टीट्यूट ने सच में बदला नहीं कोर्स तो, या बच्चे बदले नहीं तो 50% लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं. और ये अच्छा रेट है सीए में. आप इंजीनियरिंग या बाकी कोर्सेस में जाके देखोगे तो वहां पे हालत और खराब है. और अपना गवर्नमेंट, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम छोड़ के हमने को कुछ दिक्कत नहीं. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बीजेपी भक्त्स और कांग्रेस को, अपीजमेंट और करप्शन देख के कुछ नहीं दिख रहा था पहले. मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कांग्रेस ने एक्सेप्ट क्यों नहीं करता. भाई हमने करप्शन किया, ठीक है छोड़ दो, माफ कर दो, हमें माफी मांगो ना. नहीं, वो भी वो करप्शन में थे उस टाइम पे. ये अपनी हिंदू मुस्लिम पे चले. अरे देश का टैलेंट मतलब बॉस बच्चों का बर्बाद कर रहे हैं. अरे इफ हाफ ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट गेट एम्प्लॉयड इन अ कैंपस प्लेसमेंट, ऑफिशियल डेटा ऑन द ICS वेबसाइट. Reasons I don't know. तुम भूल जाओ ना, तुम एनालिटिक्स में जाओ ना. तो पे आउट रेशो आ गया. पे आउट रेशो ने क्या बोला, इतना परसेंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना परसेंट प्लाउबैक किया. वो प्लाउबैक प्लस आगे जाके एक मैं रिटर्न ऑन इक्विटी बोलने वाला हूं, उन दोनों को यूज करके धंधे का ग्रोथ रेट आता है. समझा? पे आउट रेशो समझा. दूसरा इसका सिस्टर है डिविडेंड यील्ड रेशो. डिविडेंड यील्ड रेशो, यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड इज रिटर्न. तुमको डिविडेंड के फॉर्म में कितना रिटर्न मिल रहा है, दिस इज डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर. तो यू कैन डू इट ऑन पर शेयर बेसिस और टोटल बेसिस. तो दिस इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. अब बोले ये क्या है सर? ये है अगर आपने शेयर खरीदा अभी और जो कंपनी ने डिविडेंड लेटेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है वही डिविडेंड अगर कंटिन्यू रहा, जो डिविडेंड कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है वही डिविडेंड अगर कंटिन्यू रहा तो आपको कितना परसेंटेज रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा? On an average in India, dividend yield is around 1.2 to 2%. कितना? 1.2 to 2%. ये dividend yield है इंडिया में. Share आप see when you invest in a share or a stock of the company, you get a return in two forms. You get a return in the form of price appreciation plus you get a return in the form of dividend. समझा? तो ये क्या बोल रहा है? हा 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 हा. SEBI has approved the buyback. मैंने आपको देखो day before yesterday I had told you that. Yesterday I had told you in my opinion. SEBI is gonna change. Buyback is being manipulated by the companies. I didn't expect that SEBI will be listening to me. It's so fast. Huge.
If I don't know what they are accepting, it's just a headline that is popping up. Perfect. The line manager bola tha wahi kiya. Say share buyback via stock exchanges to be closed out in India. Open market buyback. देखो मैंने आज ही आपको इन्फोसिस का बायबैक निकाल के दिखा था, मैंने तब बोला था ये मैनिपुलेट, इन्फोसिस इज नॉट मैनिपुलेशन फॉर श्योर, इनफी आई डोंट बिलीव टू बी मैनिपुलेटर, इट इज अ वेरी हाई एथिकल वैल्यूज, बट देर आर सो मेनी कंपनीज विच आई यूज दिस बायबैक्स टू अवॉइड टैक्सेस इन द पास्ट. उसके लिए चलो गवर्नमेंट ने टैक्स लॉ अमेंड किया, आज ही गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिए Entire buybacks through the stock exchanges to be closed. Obviously, जो ongoing है उसको तो कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, but there will be data of applicability. Once you read the entire guidelines, you'll come to know. So, YouTube पे lecture देखा उन्हें नहीं रे, पागल है क्या? सेबी वाले लोग ऐसे, सीए वाले लोग टंट लोग के YouTube पे नहीं आते. मेरे को तो इतने कभी कभी इतना ये लगता है कि ये बहुत talent है. और मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों को. डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, ये क्या बताता है? डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस. समझा कर तुमको? जनरली स्पीकिंग, इफ अ डिविडेंड यील्ड हैज गॉन वेरी हाई फॉर अ मार्केट, नॉट फॉर द इंडिविजुअल स्टॉक, पूरा मार्केट के लिए. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज अ मार्केट, निफ्टी इज अ बास्केट ऑफ 50 कंपनीज. निफ्टी का डिविडेंड यील्ड अगर आपको गलती से 3-4% पे मिल गए, आंख बंद करके इक्विटी खरीदना, कुछ भी नहीं करने का, इंडेक्स फंड. एक वेबसाइट है niftypratio.com, फ्री में थोड़ा सा डेटा देता है, बाकी वेबसाइट इससे अच्छे है. प्राइम इन्वेस्टर इज अ गुड वन बट इट्स अ पेड वन, सो डोंट ट्राई टू, तुम्हारे लिए कोई फायदे का नहीं है. लेट इट ओपन. तो ये अपना एडवर्टीजमेंट दिखा के काम करते हैं, जीरो तो अगर एडवर्टीजमेंट चालू होगा. This is an heat map as to this is PE ratio. There are three fundamental ratios: PE, PB, and dividend. अभी मैं dividend yield सिखा रहा हूँ, बाकी के बाद मैं सिखाऊंगा. Look at this. ये PB ratio का heat map है. हाँ, Nifty dividend yield heat map. So 99 year से 1999 से लेके आज तक month by month 2022 तक डिविडेंड यील्ड कितना है वो देखेगा. डिविडेंड यील्ड, सो अभी जो डिविडेंड यील्ड चल रहा है इज 1.28. अगर आप अभी निफ्टी खरीदोगे एट समवेयर अराउंड 18,400, यू विल बी अर्निंग 1.28% ऑफ दैट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ऑब्वियसली 8-10 साल तक आप होल्ड करोगे, your percentage as a percentage of dividend as a percentage of cost will jump up. This is what I was telling, yelling to the students during COVID, ITC kharido. Pagal chilla gaya nahi, joke bana rahe the, mere ko galiyan de rahe the log. Ye kya hai, share bhagta nahi, pura lockdown bhaga hi nahi na, zyada bhaga nahi, 160 se 200 pe jayega, 200 udhar ka udhar hi raha. ITC had changed their dividend policy just prior to COVID. ITC doesn't require huge amount of capital for their business, Indian Tobacco Company. So they were just, chalo, wo growth nahi hai, matlab it's not a massive growth company as compared to the other sectors. But I get peace of mind, I get a safety because ITC jo bhav pe available tha lockdown mein, 160. And dividend ITC was paying, the dividend as a percentage of price of the ITC at that point of time was almost 6%. FD ke returns se jyada tha. If 6% of the profit, oh sorry, 6% of the price of the share is given to you in the form of dividend, why the hell are you worried about fluctuations in the price of the share?
लेट द शेयर फॉल, चलो ठीक है फॉल होने का चांस था, गया भी था 140 तक कहीं तो गया था, इसके बाद लॉस में भी गया था, बट यू आर गेटिंग 6% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्राइस ऑफ द शेयर. एंड नाउ इमेजिन ओवर द 3-4 years प्रॉफिट्स हैव गॉन अप, डिविडेंड अमाउंट ऑल्सो गोज अप, इंक्रीज डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ यूर कॉस्ट. बॉस एक 10 साल के अंदर तुम तुम्हारा पूरा कॉस्ट, 10 या 12 साल के अंदर तुम्हारा जो कॉस्ट है वो डिविडेंड के फॉर्म में ही निकल जाता है. सर कैसे डिविडेंड सेम नहीं रहता है, प्रॉफिट्स ग्रो होते रहेगा तो डिविडेंड भी ग्रो होते रहेगा ना. वेरी हाई क्वालिटी कंपनी और अ वेरी हाई क्वालिटी इंडेक्स, इंडेक्स में इतना जाता नहीं है, इंडेक्स में देखो एक ग्रीन जोन में कभी गया था 2009 में, पागल जैसा पैसा बना था 2008 के क्राइसिस के बाद. 3% ऑफ इंडेक्स वैल्यू वॉज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. 2009 में, May 2009, दिस डिविडेंड यील्ड वॉज हाउ मच, 3% ऑफ निफ्टीज प्राइस एट दैट टाइम. मतलब निफ्टी में आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा, दैट निफ्टी शुड हैव बीन अराउंड 7-8,000, उस टाइम पे निफ्टी कितना था वो देखना पड़ेगा. ये कहां से मिलता है, एनएससी इंडिया, बेयर सोर्सेस, आई डू नॉट ट्रस्ट एप्स और अदर सोर्सेस, आई माइट रिक्वायर मोर टाइम टू सर्च बट माई कॉन्सेप्ट आर थरली क्लियर. बेयर सोर्सेस से जब आप चीजें पढ़ोगे तब एनएससी इंडिया डिविडेंड यील्ड ऐसा आप सर्च करोगे ना तो आपके डिविडेंड यील्ड मिलता है, हिस्टोरिकल आज का भी सब कुछ मिलता है, ये वेबसाइट वहां से ही बनाता है डेटा. सो आई गो टू एनएससी, अच्छा फॉर्मूला दे रहा है चलो ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आई गेट मार्केट डेटा. मेरा प्रॉब्लम तो नहीं यार, हॉटस्टार का नहीं है, एप्पल का किसका इशू है क्या, मतलब अरे सेम लेक्चर वही इंटरनेट सेम लेक्चर के लिए यूज हो रहा है यार ना. एग्जैक्ट निफ्टी कितना था उस टाइम पे वो वहां पे मिलता है, क्लिक नहीं हो रहा है. निफ्टी डिविडेंड यील्ड करके डालो, पीबी ऐसे 3 रेशियोज का पेज आता है, बेयर लिंक आ ही नहीं रहा. Just a second. I want a bear link. पर क्या हो क्या गया ये एनएससी को, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल मिल गया ये ओल्ड वेबसाइट पर, पीपीबी डिविडेंड यील्ड वैल्यूज, लेट इट ओपन. ऑब्जर्व सिलेक्ट इंडेक्स टाइप इस पीपीबी इक्विटी, सिलेक्ट इंडेक्स निफ्टी 50, देखो 2000 क्या था वो, नो था, यू विल गो मैड आफ्टर दिस. May 1st इतना नहीं चाहिए मेरे को, मैं सिर्फ मई का डेटा ले रहा हूं. लिसन अप टू दिस, May 2009 कॉन्सेप्ट चालू हो गया, सुसु चालू हो गया. ओ पथेटिक पब्लिक, सबमिट, जस्ट वेट.
एनीवन इज एबल टू गेट इट? टाइम नहीं लगता, ये बिल्डिंग को शाप दिया है शायद. आई डोंट नो व्हाई द हेल इज इट टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. Let me take a theoretical data. Understand करो, जब ये yield बहुत ज्यादा होता है 2000 कितना कहना, वो पूरे year का आ गया, year लेनी चाहिए मेरे को month. Let me just check up. Approximate value लेता हूं. Nifty was around 3600 at that, 3680 at that time. Look at this. Nifty was 3680 and dividend yield was 3.1%. So 3680 ka 3.1% was a dividend amount. Kitna hai? 114.08 dividend. तो आपने अगर निफ्टी 3680 में खरीदा तो आपको 114 डिविडेंड के फॉर्म में मिल गया है ना. अब क्या हो गया, ओवर द इयर्स निफ्टी आ गया 18400 को, आज का डिविडेंड यील्ड 1.22 था, 22 या 28 था, 28 था. आज का डिविडेंड यील्ड 1.28% है. ये नंबर्स अप्रॉक्स है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन आज आपको डिविडेंड मिल रहा है 235. I don't know how many are understanding. The concept that I want to introduce is, अगर किसी ने उस लो, जब dividend yield ऊपर गया था ना, तब किसी ने अगर invest किया रहेगा, 3680 पे उसने invest किया, लेकिन उसको dividend आज के profit के ऊपर मिल रहा है, उसका dividend है 235, उसका current year में 235 रुपया उसको dividend के form में मिल रहा है. His return in the form of dividend is now 6.2% on the cost. और जो price का appreciation हो रहा है वो तो अलग. Bouncer. Whenever the yield goes up, it is because of the price of the shares coming down because of some abnormal factor. 2009 was basically because of global financial crisis. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्राइसेस बहुत नीचे गए थे, लेकिन प्रॉफिट नीचे नहीं गया था, तो डिविडेंड का अमाउंट नीचे नहीं गया था. डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वेंट अप इन 2009. व्हाई इट वेंट अप? बिकॉज प्राइसेस हैड गॉन डाउन ड्रामेटिकली. प्राइस इज इरेशनल, प्राइस इज इरेशनल, इरेशनलिटी था प्राइस के अंदर, तो इसलिए प्राइस बहुत नीचे गया. आज आपको 235 का डिविडेंड मिल रहा है. टुडे योर डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6.4%. 6.4% यू आर अर्निंग ऑफ योर कॉस्ट, नॉट 6.4% ऑफ मार्केट प्राइस. 6.4% ऑफ योर कॉस्ट यू आर अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, प्लस जो शेयर का प्राइस का ग्रोथ हो रहा है वो तो अलग. सो इफ यू गेट अ ग्रोथ कंपनी एट अ वेरी डिसेंट ईल्ड, 3% का भी ईल्ड मिल गया ना, आंख बंद करके उठा लो. और ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ डेकेड आता है. दिस इज नॉट गोना बी अ रेगुलर अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ डेकेड और टू डेकेड्स. मार्केट इज नॉट इरेशनल ऑल द टाइम. ठीक है, जाने दो, ये हाई लेवल था. तो पहला रेशो क्या किया हमने, डिविडेंड पे आउट रेशो. क्या बोलता है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट तुम डिविडेंड के फॉर्म में देगा. सेकंड रेशो क्या बोलता है, डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर. तीसरा रेशो बहुत बेसिक है और थर्ड क्लास भी है, डिविडेंड परसेंटेज. ये तीनों रेशो क्या तेरे डिविडेंड का अलग अलग तरीके से
एक्सप्रेशन करने के आइटम्स से. हाउ डू यू एक्सप्रेस डिविडेंड परसेंटेज? डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय फेस वैल्यू इनटू 100. व्हेन आई से कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 500% डिविडेंड, इट इज नॉट 500% ऑफ प्रॉफिट, इट इज 500% ऑफ फेस वैल्यू. तीन रेशोज है, तीन अलग अलग तरीके से आप डिविडेंड का एक्सप्रेशन कर सकते हो. कौन से तीन तरीके बोले मैंने? पहला तरीका क्या बोला? डिविडेंड पे आउट रेशो विच इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. दूसरा तरीका क्या बोला? डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस. और तीसरा तरीका क्या बोला? डिविडेंड एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. ये यील्ड्स वगैरह जो है ना, आप ये फॉर्मूलाज, आपको लग रहा है फॉर्मूलाज है, बट जब आप एनालिटिक्स में जाओगे, मैं आई कैन नॉट गो इनटू टू मच ऑफ एनालिटिक्स इन लेक्चर्स, बट आपकी जिंदगी में आपको कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा. जब आप एनालिटिक्स में जाओगे तब ये रेशोज इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए बहुत काम के आएंगे. एक इंडिविजुअल रेशो नहीं आता, यू हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन एंड देयर इज देन यू अप्लाई एनालिटिक्स ऑन दिस. ये तीन रेशोज हो गए. ये तीनों क्या थे? देवर एक्सप्रेसिंग डिविडेंड. ठीक है, अब मैं अलग जाता हूं और ये रेशो हमें काम में आने वाले वाइल अंडरस्टैंडिंग लिवरेज. हाँ, नेक्स्ट रेशो पीवी रेशो. ये हमने ऑलरेडी कॉस्टिंग में किया था. क्या बोलता था ये? योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ contribution as a percentage of what? Sales. समझा? Contribution divided by sales. It's very simple. So if I say PV ratio is 30%, what does it mean? My variable cost is 70%. It is not a GP ratio. जीपी, ये मैंने कॉस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, याद होगा तो. कॉस्टिंग फर्स्ट चैप्टर, नॉट लेक्चर. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एंगल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लेन किया था. तो देयर आर थ्री एंगल्स टू लुक एट योर प्रॉफिटेबिलिटी: वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये दूसरा एंगल है. और तीसरा एंगल क्या है? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग. ऊपर हमने क्या किया? वेरिएबल फिक्स भी लिखा है और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग भी लिखा है. तो उससे आता है दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहता है. इफ यू फाइंड अ कंपनी विद अ इंप्रूवमेंट इन योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑन ईयर बेसिस, जस्ट ग्रैब इट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कैसे आया करे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इनटू डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. सो व्हाट डज इट टेल यू? दिस वाज टेलिंग यू कंट्रीब्यूशन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स. दिस इज टेलिंग यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. कैन यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स? बट हमने जो इनकम स्टेटमेंट ऊपर लिखा ना, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं. क्यों नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको कॉस्ट को क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट से करना पड़ता है. हमें यहां पर क्या चाहिए था? वेरिएबल फिक्स एंड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग. अगर आपको याद होगा तो ग्रुप वन अकाउंट्स, जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर ठीक से पढ़ा था, उस चैप्टर में आपने एक रेशियो किया था, अर्निंग रेशियो, विच वाज लाइक अ पीवी रेशियो ओनली. इट वाज योर नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट. बट फिक्स कॉस्ट को हमने बोला था स्टैंडिंग चार्जेस. अगर जब पढ़ोगे तब याद करना. ठीक है, ये मार्जिन समझ गए तुमको? पीवी रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन समझा? नेक्स्ट रेशियो दैट आई वॉन्ट, ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स. ये कॉस्टिंग में किया तुमने, कैसे आता है ब्रेक इवन सेल्स? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो.
लिवरेज के फॉर्मूला जो है ना वो एक्सप्लेन करने में काम में आएगा ये, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अगर मैंने पीवी रेशो से डिवाइड किया तो ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आएंगे, पर यूनिट से डिवाइड किया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आएगा, पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ग्रुप वन कॉस्टिंग। ठीक है नेक्स्ट, अब थोड़े से हायर लेवल, ठीक से सुनना, थोड़ा सा हायर लेवल, और ये सबसे क्या बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेड फॉर्मूला है, इसके वर्जन्स है, अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से उसको इंटरप्रिट करते हैं। आई एम गिविंग यू मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड वर्जन, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंपॉर्टेंट है समझ लेना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी धंधा है कैपिटल कहां से रेज करता रहे, डेट इक्विटी प्रेफरेंशियस हाइब्रिड, और वो कैपिटल बिजनेस में लगाता है, बट बिजनेस में जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है नॉट एवरीथिंग इज पुट अप इनटू अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सम कैपिटल माइट बी इन्वेस्टेड इनटू नॉन ऑपरेटिंग असेट्स। हु एम आई, कंपनी, डेट इक्विटी प्रेफरेंशियस, पैसा रेज किया मैंने, ओके इक्विटी इंक्लूड्स प्रॉफिट अर्न्ड आल्सो, जो मैं इन्वेस्टर से रेज किया, रेज करके मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, व्हेन यू प्लाउ बैक द प्रॉफिट इट इज अमाउंट ऑफ इक्विटी ओनली, इट इज शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड आई हैव डेट प्रेफरेंशियस इक्विटी, I have put up the money into business. Is it necessary that all my money will be invested into earning operating profit? Not necessary. Some part of the profit might be, some part of the capital might be invested in earning non-operating income. Why? Arre bhai, मैंने कैपिटल रेज किया, कैपिटल रेज किया तो क्या अगले दिन से मेरे पूरे धंधे में इन्वेस्टेड होगा, ऐसे जरूरी नहीं ना। आई माइट हैव सम सरप्लस कैपिटल दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफडी, एलआईसी की कंपनी, एलआईसी क्या करेगा। सो यू माइट हैव नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, याद रखना, क्यों इससे मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना, प्लीज लिसन। ROC tells you operating profit as a percentage of capital employed. ये जो formula था ना OPM, it was telling you operating profit as a percentage of sales. Now I don't want as a percentage of sales. I want a profit. I want a profit as a percentage of capital employed. Costing के first chapter में लिख के दिया है, अगर लिखा होगा तो देखो, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, पर्पसली वर्ड्स अलग अलग यूज करो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्या है क्या यह फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला टेल्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। हाउ डू गेट ईबीआईटी, ऊपर मैंने इनकम स्टेटमेंट बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है, डेट इक्विटी प्रेफरेंशियस, बट डोंट व्हेन यू टेक अ टोटल ऑफ देम देयर माइट बी सर्टन पार्ट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट इन्वेस्टेड टू अर्न ईबीआईटी।
हमेशा याद रखना, कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या जो भी नंबर्स आप ले रहे हो वो एक दूसरे के से मैचिंग है क्या? न्यूमरेटर में क्या लिया तुमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना? न्यूमरेटर में क्या लिया तुमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर न्यूमरेटर में तुमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है तो साला डिनोमिनेटर में क्या लेना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओ माते, फोन बाजू रखना है। कलयुग अभिषेक। बाकी क्लासेस के डेमो लेक्चर्स रहेंगे यूट्यूब पे, तुम थोड़ा लिवरेज जहां चालू हो गया होगा ना वहां देख लेना, फिर आपको लिवरेज कहाँ चालू होता है और क्या होता है तब तुमको जाके समझेगा। बट साला है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गाढ़वाला गुड़ाची सव का है। यही कॉन्सेप्ट अगर मेरे उम्र में, मैं जब स्टूडेंट था, मेरे को अगर किसी ने सिखाया होता और मेरा माइंड इग्नाइट किया होता ना, मैं आज जहां पर हूं ना उसके और ऊपर रहता था। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में जाने के लिए हमको बहुत टाइम लगा। साला तुम लोगों को कदर नहीं है रे, मतलब न्यूमरेटर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई वॉन्ट कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट। I want a capital employed to earn operating profit. कैसे निकालोगे capital employed? Debt plus equity. Equity में क्या आता है? Equity share capital plus reserves and surplus. दोनों ले लेंगे हम, समझा क्या? एंड डिवाइडेड बाय प्लस व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ले लेंगे हम, ये आएगा तुम्हारा टोटल कैपिटल, इसका टोटल लेंगे। लेकिन इसमें से मैं क्या करूंगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा। अब बोलेंगे क्यों सर? कॉमन सेंस लगाओ ना, जो पैसा मैंने रेज किया है इन्वेस्टर से वो लगाया मैंने, लेकिन कहां पे नहीं लगाया? धंधे में नहीं लगाया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे तुम पैसा कमाओगे क्या? हाँ कमाएंगे ना, लेकिन वो क्या नहीं होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा, माइनस सीडब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो पैसा असेट के कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमाते नहीं ना। CWIP is a capital work in progress. Assets are under construction. अरे अगर asset under construction है तो पैसा कैसे कमाएगी? तो इसको हम बोलते हैं adjusted capital employed. बाकी और adjustments करते हैं, but this is enough for passing. Adjusted capital employed, वो adjusted capital employed हम यहां पे लेंगे, समझा क्या तुमको? तो बच्चों फर्क क्या है रे? OPM और ROCE में फर्क क्या है? OPM was expressing profit as a percentage of sales and this one is expressing profit as a percentage of capital employed, right? Profit as a percentage of capital employed. Now what I am going to do is make a small twist to it. EBIT upon capital employed hai na, main nahi likhunga, मैं लिखूंगा EBIT अपॉन सेल्स। अब बोलेंगे ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया, इनटू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टिपिकल जो बच्चा इधर आवाज करेगा, ये है जन्नत 1920s या 30s के अंदर, ग्लोबल केमिकल जायंट है डुपॉन्ट। उन्होंने ये उनके एनालिसिस के लिए फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था, इसको बोलते हैं डुपॉन्ट एनालिटिकल फ्रेमवर्क। ये और बहुत डिटेल में है, मैं इतना ही बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं मार्जिन। तुम्हारे धंधे में मार्जिन कितना है? और दूसरा चीज है तुम्हारे धंधे का
वॉल्यूम क्या है? सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट डू यू मीन बाय इट? सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट सेल्स पर रुपी ऑफ कैपिटल. क्या बोलता है ये? सेल्स पर रुपी ऑफ. अबे समझा क्या रे पब्लिक? सेल्स पर रुपी ऑफ कैपिटल. एक रुपए का कैपिटल लगाया तो कितना सेल्स होता है? और मार्जिन इज प्रॉफिट फॉर वन रुपी ऑफ सेल्स या वट एवर अमाउंट ऑफ सेल्स. ये क्या करता है मार? तुम्हारा धंधे में आरओसी तुमको कमाने का ना है, तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ाने का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तुमको ये दो गेम खेलने पड़ते हैं, मार्जिन गेम एंड अ वॉल्यूम गेम. मार्जिन गेम एंड अ वॉल्यूम गेम. इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, दिस इज द बिगेस्ट फ्रेमवर्क. It basically tells you a business will have a ROC depending on what? Margin and a volume. For example, from I do a business of teaching, let's say. In teaching, margins are quite high, but the volumes are limited. Reason? Obviously, number of students coming is limited, plus there are a lot of players in the market, plus the players or the customers who will be accepting your philosophy is limited. So volume pe ek limit hai. I can't take and let's say go for about 10-20,000 students. Kyun? For that I'll have to reduce my quality. 10-20,000 student lana mushkil nahi hai, ghatiya cheez karo, yo karo, advertising ke liye log bitha do. तुम कुछ भी लॉजिकल बोलो मत, एक्सप्लेनेशन मत, टू द पॉइंट सिलेबस आके करो बस. पब्लिक को वही चलो, बच्चों को प्रेज करो, हाँ बच्चों को चिल्लाओ मत, बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करो. वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन तभी भी बढ़ा बढ़ा के कितना लिमिट है ना उसमें? 2,000-3,000 मैक्स बच्चे, लिमिट है उसको, है ना? मार्जिन ज्यादा है धंधे में लेकिन वॉल्यूम का लिमिट है. कितना हो के 10-20-30 crore-40 crore लिमिटेड है. देर आर बिजनेसेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो छोड़ दो, मतलब दैट इज नॉट अ बिजनेस बिकॉज आई डोंट नीड पीपल फॉर दैट. यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड अ कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट. और लेट्स से 2-3 कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन विच वर्क्स. Imagine I go into organic farming business. I say stop teaching, say bye bye. Just look out for what? Business. Satvik ke business mein margin hamara kam hai, not as high as teaching, but volume has no limits. Making a sale of 1,000, 2,000, 5,000 crores is not an impossible thing. You put your time and energy in that. Right now, I'm not putting my time and energy to that extent. I'm not putting to that extent, but tabhi bhi hum 45 stores kar liye. Oh, hey, but if I decide, the return on capital employed can increase substantially. Kyunki wahan par kya hai? Volume, I can increase. What does it tell you? This framework tells you, I have understood this way back, but it just that I'm not able to take a decision emotionally. The day my emotions are cut off, it will be over. You need to understand, if you want to make a money, you need to understand a business which has a scalability, volume. Teaching has no scalability. It's limited, you can't, unless, because teaching is very individualistic thing. It's an individual service. You can't make a commodity out of it and try to sell. Still, some people say, "Hamara product le lo." Your product are here. These are all nonsensical things. But you can't do nothing. This, but tabhi bhi limit hai industry ko.
लिमिट है, यू कैन नॉट कमोडिटाइज इट. रीजन व्हाई आई हैड इन्वेस्टेड इन बायजूस, बायजूस हैड ट्राइड टू डू दैट स्पेशली एट अ यंग लेवल, यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, वो जो यंग लेवल पे उसने क्या किया था, उसको कमोडिटी में कन्वर्ट किया था विदाउट द यूज ऑफ टीचर्स. एंटायर बायजूस फिलोसॉफी एट द प्री स्कूल लेवल एंड स्कूल लेवल, आई एम नॉट लुकिंग एट अ हायर लेवल, इज विदाउट टीचर्स. इट्स एनिमेशंस, इट्स बेसिकली एना, एल्सा, पेपा पिग एंड ऑल दोज कैरेक्टर्स कमिंग अप एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू मैथ्स एंड इंग्लिश. दैट इज वॉट आई लाइक, विच कैन कमोडिटाइज एंड विच कैन हैव नो लिमिट. क्यों? रूल ऑफ मैथ्स इज सेम इन इंडिया, सेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेम इन अफ्रीका, सेम इन यूरोप. सो वॉट कॉन्टेंट यू क्रिएट कैन बी सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. वॉल्यूम, स्केल, इट हैज दैट पर्टिकुलर स्केल. दैट इज वाई आई हैड इन्वेस्टेड. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिड नॉट गो वेल. द रीजन वाई बायजूस इज लैगिंग इज बेसिकली नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, it's basically the way the Ravindran Baiju is handling it or whosoever is handling it is not appropriate. They lost the basic sense of running a business. But aap socho, business ke andar volume tha, scale up ho gaya. Bahut sare businesses mein volume ya scalability nahi rehti. You spend your time and energy but there is no scalability. You take my example, time and energy goes into this, scalability is not there. There is a limit to which you can go. But if you decide to just mint a money, there are businesses where this scalability is there. Now you choose what is your liking. Money or other factors, that is your choice. That is an individualistic subject. I will not go into it. But this concept of breaking down ROCE tells you how a business entity can earn what? Profitability, return on its capital employed. There must be scalability to the business. It might not be a very high margin business. Margins might be lower. It might be just 8-10% of the sales, but scale should be there. Massive scale. Imagine grow organic farming. There is a huge potential. Where? Outside India. I'm really not looking into India, but for all of that, the dilemma which is going in my mind for last almost 3-4 years and I'm not able to decide what do I do with it, because to take it off to the outside India, I need to devote a time, I need to travel, and once I go into it, pitching is becoming gonna become easy. You cannot interact over just the phone or email or chat box. That is not a proper way of communication when you are to set the business. To set a business, you need to go out there, dig into it. Initially, volumes might be very lesser. Once it starts kicking in, you don't even know the rate at which you can grow. I'll just give you one example. To achieve first $1 billion of sales, Infosys required 20 years. Next billion came in 2 years. To achieve a $3 trillion GDP, India required 75 years. Mark my words. Next 3 trillion will be there in the next 6 to 7 years. That's the size. That's what we call it as a scalability. You can scale up, you need to find a business which can be scaled up massively. That is, in a fancy language, you call it a moat size. एक बार एक 10-20 लेक्चर हो गया ना, मैं तुमको इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया था, हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड. मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, या यूट्यूब पे रहेगा, मैं तुमको लिंक देता हूँ. बट राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं किए. यू नीड टू अंडरस्टैंड अ मोट साइज, दैट मोट टेल्स यू वॉल्यूम. और इससे हमारा लिंक है फाइनेंशियल लिवरेज का. फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला मैं अभी भी दे सकता हूँ तुमको फॉर्मूला. टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला इन ट्रू स्पीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर ओ सी ई एक है और आर ओ ई, इनका लिंक जो है, दैट लिंक इज गोना बी एस्टैब्लिश्ड बाय यूजिंग फाइनेंशियल लिवरेज, एक है वन ऑफ द टाइप. तो वॉल्यूम गेम एंड मार्जिन गेम, इनका मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. यू कुड फाइंड आउट अ लॉट ऑफ बिजनेसेस वेयर वॉल्यूम्स आर नॉट देयर बट मार्जिन्स आर क्रेजी. इफ यू हैव ग्रेट मार्जिन्स एंड ग्रेट वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स कैन कीप ऑन ग्रोइंग, oh, you have got a gold mine.
National Stock Exchange, which I told you. The reason why I invested in NSE, NSE's margins, you know how much NSE's margins are? NSE makes roughly around 70% of their sales as a operating profit. क्यों लगता क्या है एनएसी को रॉ मटेरियल इज देयर एनी रॉ मटेरियल नो इट्स अ प्लेटफॉर्म सो दे हैव टू क्रिएट अ सर्वर्स क्रिएट पुट अप सम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आउट देयर व्हिच कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स क्रिएट सम प्रोडक्ट लेट द पीपल ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एनएसी अर्न्स ट्रांजैक्शन फीस What is the cost to NSE? Employees का salary आ गया, तुम्हारा थोड़ा बहुत regulatory cost आ गया, infrastructure का cost आ गया, plus electricity वगैरह जो तुम्हारा लगता है, वो cost और software का maintenance cost and depreciation. Those costs are hardly 30% of their sales. They have such a huge margin. Plus volume. Volumes are growing like anything. After especially demonetization. The investment was after demonetization. I did not make an investment today. Today I had done, but that is add-on. My first investment was immediately after demonetization. Why? Dimag tha. Demonetization se matlab kya ho gaya? Cash is gonna convert it into official system. Or proportion of cash will go down. It was such a simple common sense. So what will happen? Money will come into financial assets. फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा आ गया तो किसको बेनिफिट मिलेगा पप्पा ढूंढो सबका एनएसई था कितने पे था 650 4200 पे जाके अभी 3100 पे चल रहा है दैट इज बेसिकली बिकॉज देर इज नॉट डिस्कवरी टेकिंग प्लेस प्राइस डिस्कवरी नहीं है एंड देर इज अ ह्यूज सप्लाई एनएसई का जो आईपीओ आने लगा था वो डिले हो गया है इट विल कम अप 1 year 2 year 3 year डाउन द लाइन आई एम नॉट वरीड अबाउट इट बिकॉज आई नो नेक्स्ट 10 years इट विल ग्रो Why? If it doesn't grow, India is over. It's not a bet on NSE, it's more a bet on India, and I don't think that India will not grow. Volume hai na? Kyun? Aaj hamara GDP $3 trillion ka hai. Hum grow nahi honge kya? Honge na? BJP rahe ya Congress rahe ya Kejriwal aaye? India to grow hone wala hai. India grow ho gaya to logon ke paas income bhi aayega. Income aa gaya to log pura ka pura paisa प्रॉपर्टी में नहीं लगाएंगे पूरा का पूरा एफडी में नहीं लगाएंगे ऑन द कंट्री एफडी एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी बाकी जो है वो डिक्लाइनिंग मोड पे वो अगर डिक्लाइनिंग मोड पे है तो पैसा कहां पर अलोकेट होगा इक्विटी इक्विटी में मोनोपोली किसके पास है एनएसई के पास बीएसई है नाम के लिए सिर्फ बीएसई डजंट हैव मोनोपोली सो इट्स बेसिक वॉल्यूम इज गोना गो क्रेजी प्लस मार्जिन्स आर गोना गो Margins are already crazy. If margins are crazy, volumes are crazy, what else do you need for a business? ITC makes fucking 500% ROC on cigarette. 500% per annum is what ITC makes on cigarette business. Why? New player cannot come. ITC controls 80% of the market. It's like a natural monopoly. इतना हाई आरओसी से बिजनेस का वैल्यूएशन आगे जाके वैल्यूएशन भी समझना पड़ता है मार्केट डजंट अटैच अ वेरी हाई मल्टीपल समझेगा तुमको जाने दो अभी इतना समझ लो आरओसी मार्जिन गेम वॉल्यूम गेम समझा ये आरओसी में मैंने क्या लिया तेरे सिर्फ इक्विटी कैपिटल लिया या टोटल कैपिटल लिया बोलो मैंने टोटल कैपिटल लिया अब मैं उसका डिनोमिनेटर चेंज करूंगा अभी अभी मैंने आपको बोला था हस्बैंड वाइफ वेन एवर यू यूज एनी फॉर्मूला द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मूला मस्ट मैच विथ ईच अदर दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे मस्ट मैच व्हाट आई टेकन इन डिनोमिनेटर नाउ राइट नाउ आरओसी के अंदर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एक लाइन बोलो क्या ये आरओसी जो है ना ये तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं होता तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट से है कितना इक्विटी से है उससे आरओसी को कोई फर्क एक कहानी सुनो मैं एक होटल चालू कर रहा हूं लेट से होटल के लिए लेट से चाहिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो होटल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
Tell me, will the amount of operating profit of the hotel depend on how I finance that 50 crore? 50 करोड़ में से मैं 30 करोड़ डेट से लूँ और 20 करोड़ इक्विटी से लूँ, या पूरा 50 करोड़ इक्विटी से डालो, या 40 10 करो, या 10 40 करो, या 25 25 करो, या कुछ भी करूं 50 के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे आईक्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच आई एम गोइंग टू अर्न फ्रॉम माई बिजनेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई डिड नॉट से नेट प्रॉफिट, पैट नहीं बोला मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम वेदर यू गो फॉर एक्स कैपिटल स्ट्रक्चर और वाई कैपिटल स्ट्रक्चर और जेड कैपिटल स्ट्रक्चर. मतलब जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से कितना इक्विटी से है, कितना डेट से है, वो प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल स्ट्रक्चर. फर्स्ट लेक्चर में बोला था प्रोपोर्शन इन विच यू रेज द फंड्स इज नोन एज, दैट प्रोपोर्शन हैज नथिंग टू डू विथ आरओसी. अब इसी को जरा फैंसी लैंग्वेज में बोलता हूं, ROCE is agnostic to capital structure. English basically. English medium के हो ना तुम लोग, इतना English सीखे हो बचपन से. ROCE is agnostic to capital structure. It's over. अरे बच्चे सोचे यार क्या यार, ये क्या बोलता है यार आदमी. दैट मीन्स यू आर नॉट एस्पायरिंग टू इंप्रूव योर सेल्फ. आरओसी डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इट्स एग्नोस्टिक. चलो आप सिंपल लैंग्वेज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर. आसान भाषा में समझाते हैं हम आपको. अब मुझे ऐसा फॉर्मूला देना है जो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट होता है, और वही कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बोलने वाले फाइनेंशियल लिवरेज आगे जाके. इसलिए मैं ये फॉर्मूलाज पहले ले रहा हूं ताकि मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकूं लिवरेज. आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इधर क्या था रे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था. हाउ डिड वी गेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. अरे ऑनलाइन पब्लिक मर गए कह रहे तुम. सुनने में इंटरेस्ट है ना? इट्स पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और यू कैन कॉल इट एज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. बच्चो ऑब्जर्व करो मैंने कैसे मैच किया था. देखो ऑब्जर्व दिस पिंकी, दिस वॉज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस वॉज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द अमाउंट अर्न बाय यू फॉर ऑल इन्वेस्टर्स. अब बोलेंगे कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप क्या करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो. चेक करो, ऑब्जर्व, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, उसमें से आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट. फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी देते हो, फिर आप शेयर होल्डर्स के लिए बातचीत, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बाकी का पैसा रखते हो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समथिंग गोज टुवर्ड्स डेट होल्डर्स इंटरेस्ट, something goes to preference shareholders, and the balance residue after paying taxes goes to equity shareholders. So can I say operating profit is the amount earned for all? Operating profit is the amount earned for all. That's why denominator is amount given by all. Now in equity, when I say return on equity, I'm going to take equity in denominator. If I take a equity in denominator, common sense tells me I should take
अमाउंट अर्नड फॉर इक्विटी होल्डर्स इन न्यूमरेटर, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस इज अमाउंट अर्नड फॉर होम, इक्विटी होल्डर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी इन 200 ऑब्वियसली, समझा गया तुमको? नाउ दिस विल डिपेंड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्यों तुमने कितना पैसा डेट से लिया, कितना पैसा इक्विटी से लिया, उससे इंटरेस्ट बदलेगा, उससे टैक्स बदलेगा, उससे रिटर्न ऑन इक्विटी बदलेगा, लेकिन इन दोनों का लिंक मैं आगे जाके एस्टैब्लिश करने वाला हूं, उतना याद रखना। कैसे एस्टैब्लिश करने वाला हूं? फाइनेंशियल लिवरेज से, समझा क्या तुमको? व्हाट डज रिटर्न ऑन इक्विटी टेल यू? रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली टेल्स यू अमाउंट अर्न फॉर इक्विटी होल्डर्स, आरओसी वाज फॉर ऑल, ओके आरओसी इज रिटर्न प्री टैक्स, आरओई वाज आफ्टर टैक्स। अब बोले ये कैसे, इसका न्यूमरेटर देखो ना क्या था, ईबीआईटी था ना न्यूमरेटर, आरओई का न्यूमरेटर क्या है, पैट है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए, दिस वाज उल्टा लिखा मैंने, बिफोर टैक्स, आरओसी बिफोर प्री टैक्स था, बिफोर या प्री, एंड दिस इज आरओई इज पोस्ट टैक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट, पोस्ट टैक्स, कुछ समझा करे? आर ओ सी ई इज बिफोर टैक्स, आर ओ ई इज आफ्टर टैक्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन। बच्चों इधर मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, ईबीआईटी मार्जिन गेम, मार्जिन गेम क्या था रे, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, और ये क्या था, सेल्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दूसरा जो है ना उसको बोलते हैं असेट टर्नओवर रेशियो, क्या बोलते हैं, असेट टर्नओवर, इट इज नॉट असेट, दैट इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मैं बेसिकली आपको टर्नओवर रेशियोज बोलता हूं जो काम के अपने, क्या बोला मैंने, टर्नओवर रेशियोज, ये आपने ग्रुप वन में भी किए थे कॉस्टिंग में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया था, लेबर टर्नओवर रेशियो अलग था, कोई तो लेबर बोल रहा था। अब देखो अभी हमने ऊपर क्या किया है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो इज बेसिकली, टर्नओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्स, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, सेल्स पर रुपी ऑफ कैपिटल, सेल्स अपॉन कैपिटल। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बोलूं कि आपको, सेल्स इज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और अ पर्टिकुलर पीरियड, बट कैपिटल इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दिस इज पीरियड फिगर, दिस इज पॉइंट फिगर, कुछ समझा क्या, समथिंग इज अ पॉइंट फिगर, समथिंग इज अ पीरियड फिगर, दैट्स वाई लॉट ऑफ टाइम्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट द कैपिटल वी टेक एवरेज कैपिटल फॉर द पीरियड, कुछ समझा क्या, यह आ गया कैपिटल टर्नओवर रेशियो। व्हाट डज कैपिटल टर्नओवर रेशियो टेल यू, सिंपल लॉजिक है, इट टेल्स यू सेल्स फॉर वॉट, वन रूपी ऑफ कैपिटल, विथ वन रूपी ऑफ कैपिटल हाउ मच सेल्स हैव यू जनरेटेड, हु टेल्स यू दैट, कैपिटल टर्नओवर रेशियो टेल्स यू सेल्स जनरेटेड पर रूपी ऑफ कैपिटल, दूसरा रेशियो है असेट टर्नओवर रेशियो, इट टेल्स यू सेल्स पर रूपी ऑफ असेट, योर कैपिटल इज नॉट इक्वल टू असेट, व्हाई, कैपिटल इज असेट माइनस लायबिलिटी ना,
certain assets might be funded by liability. So it is sales upon average total assets. Some people, हेलो हेलो, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स. सम पीपल डोंट लाइक टोटल असेट्स, दे टेक अ फिक्स असेट्स ओनली. यू कैन डू इट विथ रेफरेंस टू जस्ट द फिक्स असेट. तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो. डिफरेंस क्या रहे, टोटल असेट्स में करंट असेट्स भी आते हैं. सो दैट इज सेल्स divided by what? Average fixed assets. Sales upon average fixed asset. What does it tell you? Fixed asset turnover ratio. All these turnover ratios are telling you sales per rupee of something. In sabka matlab kya hai? Sales per rupee of dot dot dot. That dot 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 is denominator. It can be sales per rupee of capital, per rupee of total asset, per rupee of fixed assets. ये सब ratios है, मुझे explanation के लिए लगने वाले काम. Go through everything that I done so far. If you have any doubts, ask. मैंने सिर्फ background create किया है, अभी तक मैंने leverage का एक भी formula नहीं सीखा है. If you have any doubt, please ask. It's okay. Doubt might be very silly. Do not worry about my reply. I will give you reply. It's okay. No, I'm serious. I'm not joking. Anyone has a doubt? Capital, please remember, ROCE does not depend on capital structure. मैंने आपको simple example दिया. मैंने hotel चालू किया, 50 करोड़ capital लगता है उसको. वो hotel से जो operating profit आएगा, tell me, will the operating profit amount from the hotel depend on how I have financed the hotel? Whether I am financing by debt or equity doesn't matter. को डाउट नहीं, ग्रेट. गिव द हेडिंग देन, ऑपरेटिंग लिवरेज. मैंने लिवरेज में, लिवरेज का बेसिक मीनिंग क्या बोला, लिवरेज इज इन इंग्लिश टेकिंग अ एडवांटेज ऑफ समथिंग, some factor. Understand karo.
ऑपरेटिंग लिवरेज में हम फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का एडवांटेज लेने वाले हैं। लिसन अप, इस चीज का एडवांटेज लेने वाले फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सुन लेना। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? इट इज एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, इट इज एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मैग्निफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू presence of fixed operating cost due to presence of fixed operating cost. Due to, that is a factor name. क्या लिखा है मैंने? Due to क्या गया? जब आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है ना, आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में जब फिक्स कॉस्ट होती है तब क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ड्यू टू चेंज, ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट चेंज इन प्रॉफिट इज बाय अ हायर परसेंटेज देन चेंज इन सेल्स। क्या बोला मैंने? चेंज इन प्रॉफिट इज बाय अ परसेंटेज हायर देन चेंज इन सेल्स। कर दो रहे भाई साहब, देखो मैं आपको बोलता हूं, ईयर वन, ईयर टू, ईयर वन में मेरा सेल्स था 70,000 एंड आई हैव वेरिएबल कॉस्ट, आई हैव माय वेरिएबल कॉस्ट विच इज लेट अस से 70% ऑफ सेल्स। सीए कोर्स में हम क्या करने वाले? वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो मेरा 49,000 क्या है रे? वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सो माय कंट्रीब्यूशन इज 21,000 एंड लेट्स से आई एम ऑपरेटिंग विद द फिक्स कॉस्ट ऑफ 15,000। सो व्हाट्स माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट? आई एम मेकिंग 6,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। How? By doing a sales. Now let's say, let's assume next year I jump up my sales by 40%. My sales jump up by how much? 40%. Operating profit will jump up by higher than that. Remember, when I say sales jump by 40%, it is I am meaning quantity. If selling price increases, because of that also I can increase the sales. My sales are now 98,000. My variable cost will also change in the same proportion. Why? Variable cost arrow. It varies with reference to sales. Bolo. 49,000 plus 40%. 68,000. What is this? That is my variable cost. What is going to be my contribution? My contribution is 29,400. Contribution is 29. Fixed cost is 15,000. That will remain same in theory.
For the sake of assumption, fixed cost remains same. Can a fixed cost change? Rather, fixed cost does change. Bolo. 40? 1, 4? 1, 4, 4. Now, did you observe? My profit changed by a percentage much higher than 40. How much? कितना था? ओह परसेंटेज चेंज समझा ना तुमको? 14,400 माइनस 6,000 अपॉन 6,000 उतना आईक्यू है तुम्हारे पास? उतना नहीं है तो उठ जाओ, निकल जाओ यहां से. 140%. ओह माय गॉड, 40% चेंज इन व्हाट? सेल्स लीड्स टू व्हाट? 140% जंप इन द प्रॉफिट. व्हाई डिड इट हैपन? इट हैपन बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट. वही तो उर्दू में लिख के दिया, ऊपर पढ़ो. इट इज एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मैग्निफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 140% ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट है ना तुम्हारे कैपिटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में. दैट्स व्हाई योर प्रॉफिट जंप्ड अप बाय मच हायर देन सेल्स. प्रॉफिट जंप्ड अप बाय मच हायर देन व्हाट? समझाना रे, कैन आई एक्सप्लेन नाउ? सुन लेना. अब इसी को फॉर्मूला हो गया मेरा सिखा के. अब लग किधर? ऊपर लिख के दिया था लिवरेज का फॉर्मूला. देखो ऊपर चैप्टर मैंने शुरू कहां से किया था? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन अ यू क्रिएट अ फॉर्मूला नाउ फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज. कुछ लोग इसको डॉल बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग. इट इज नॉट डॉल, गुड़िया नहीं है. इट इज अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और यू कैन जस्ट कॉल इट इज ऑपरेटिंग लिवरेज. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. बोलो फॉर्मूला क्या होगा? यू क्रिएट अ फॉर्मूला. परसेंटेज चेंज इन वॉट? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अब बोले सर कहां से लाया फॉर्मूला? ही डिपेंडेंट प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स. हा, यू हैव दैट मच ऑफ आईक्यू? आर यू डंब? क्या बोले? नॉट दैट, नॉट दैट मच. तो यू एक्सेप्ट यू आर डम? मुझे नहीं लगता कोई डम है. अगर आप सोचोगे ना दिमाग से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. 140 अपॉन 40, 13.3.5 एग्जैक्ट. 3.5 इज ऑपरेटिंग लिवरेज. ये तो कैलकुलेशन है फालतू, ये किसी के बाप को भी आता है. ये मजा नहीं है. लोग इसमें हो क्या सीखा, समझ लो. अभी इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है, सुन लेना. 3.5 का मतलब क्या है? If sales change by 1%, if sales change by from base level is important, then operating profit will change by 3.5% in same direction. Operating profit will change by
बाय व्हाट? 3.5% इन व्हाट? सेम डायरेक्शन. समझा क्या तुमको? सेल्स चेंज बाय हाउ मच? 1% फ्रॉम द बेस लेवल, देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल चेंज बाय 3.5% इन द सेम डायरेक्शन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड? बेस लेवल. बेस मतलब डिनोमिनेटर. बच्चों ये जब परसेंटेज चेंज हमने कैलकुलेट किया था ना, तब डिनोमिनेटर में क्या लिया था हमने? हाउ डिड वी कैलकुलेट 40%? 40% कैसे आया था? 98 माइनस 70 अपॉन 70. ये 140 कैलकुलेट कैसे किया था? 14,400 माइनस 6,000 अपॉन 6,000. सो व्हेन वी कैलकुलेटेड दीज 40% एंड 140% इन बोथ द केसेस, व्हाट वी कंसीडर इन डिनोमिनेटर वाज ईयर वन. Yes or no? Year 1 was taken in denominator. That year 1 figure becomes base level. Year 1 becomes? Do you agree with me? Year 1 becomes a base level. So, what I am saying is this formula, I call this formula as 2-level formula. Kya bola maine? 2-level. ये फॉर्मूला का लिमिटेशन है. इसके लिए कंपैरिजन के लिए 2 level कंपलसरी लगते हैं. परसेंटेज चेंज, हाउ कैन यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज एट अ सेम लेवल? यार परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिटवीन 2 levels एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट? सेल्स. क्या बताता है ये तुमको? दिस फॉर्मूला टेल्स यू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. समझा गया? ब्यूटी दिस इज टू गुड. ये 3.5 क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. ये नंबर का ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स और बुकिश लोगों के लिए रिजर्व्ड है. दिस इज नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट. CA course ends here. It started here. It ends here. This screen is more than enough for you to solve the questions. Okay, iska aur ek formula which is 1-level formula. Ye same answer 1-level pe bhi aata hai. That much is enough for you to pass. But let me go beyond. सुनना, अपने भी 10 problems हो जाएंगे, डरना मत. सुन लेना क्या बोला मैं. 3.5 जो है नंबर, दैट नंबर ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस इज यूजलेस नंबर. उसका जो इंटरप्रिटेशन ये लिखा है मैंने, क्या लिखा रहे? अगर सेल्स 1% से बढ़ गया तो तुम्हारा प्रॉफिट 3.5% से बढ़ेगा. ये जो बोला ना, ये गलत है. क्यों? क्योंकि रियलिटी में फिक्स कॉस्ट चेंज होगा. दिस लाइन अज्यूम्स फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम. दिस लाइन अज्यूम्स वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन एज सेल्स. अरे गधे, अगर मैंने सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाया, मैंने सिर्फ सेलिंग तो सेल्स बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ता. तो समझा गया? तो दिस लाइन विच आई रिटन, इट इज रिलेवेंट ओनली इफ सेल्स, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन प्रपोर्शन ऑफ सेल्स एंड नंबर 2 फिक्स कॉस्ट रिमेन्स, बोथ ऑफ विच डोंट होल्ड ट्रू. लिवरेज इज नॉट क्रिएटेड फॉर दिस. देन वॉट? देन द क्वेश्चन शुड बी, ये किसके लिए क्रिएट किया है? अब मैं थोड़े ही टाइम में तुमको मार्जिनल कॉस्टिंग में लेके जाने वाला हूं.
रिवाइज हो रहा है, वहां पर कॉन्सेप्ट है। रुकना रुकना, शांत, हैव पेशेंस, यू लिटरली लर्न एवरीथिंग। थ्री पॉइंट फाइव है ना नंबर ए, ये कौन से लेवल पे है? टू लेवल पे। अब यही फॉर्मूला सिंगल लेवल पे भी आता है, उसका डेरिवेशन है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग इट, नो पॉइंट इन इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, वन लेवल फॉर्मूला, क्या लिखा मैंने? वन लेवल फॉर्मूला। आप बोलोगे वन लेवल फॉर्मूला मतलब? अभी हमने परसेंटेज चेंज ऐसा कंपेयर किया था ना, अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एक लेवल पे ही आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे मतलब यू कैन गेट द सेम आंसर। ओ ये 3.5 कौन से लेवल पे आंसर है? दिस इज बेस लेवल पे आंसर है। बेस लेवल अभी कौन सा था? ईयर वन था या ईयर टू था? ईयर वन। दिस इज आंसर एट बेस लेवल। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझा कर दूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वन लेवल फॉर्मूला है, उसमें वो जो गॉडफादर फॉर्मूला था ना, इट डजंट होल्ड ट्रू। गॉडफादर मतलब ऊपर सबसे पहले मैंने लिख के दिया ना, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सेम आंसर आएगा तुमको। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 21,000। ईबीआईटी कितना है? 6,000। 3.5 आ गया क्या? इतना सारा टाइम पास करने का जरूरत ही नहीं था, बट टू लेवल फॉर्मूला लगता है कभी कभी एग्जाम में। दिस इज एट लेवल वन, दिस इज एट लेवल वन। नाउ लेट मी टेक अप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईयर टू, फॉर ईयर टू, जस्ट वेट, ईयर टू इज 29,400 डिवाइडेड बाय, बोलो 29,400 डिवाइडेड बाय व्हाट? कितना? 14,400, दैट शुड बी इक्वल टू 2.04। दिस इज एट लेवल टू। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? What did you observe? OL has come down, and that is where the magic begins. आप बोलेंगे ये क्या है? Have patience. Wait a minute. Logic क्या है one level का? कौन है रे? There is a, this one level formula is derived from the same formula. I am not giving you derivation, it is of no use. यही same formula है, वही formula है ना, उसको तोड़ मोड़ करके एक तैयार किया है. That derivation is of no use, rather than that the logic, मतलब explanation is more important. वो जो formula है ना ऊपर का, उसका ही derivation यहाँ पर है. चाहिए तो तुम्हारा पीछे बैठ कर दिखा दो तुमको, point नहीं उसमें. Contribution upon EBIT, that is a one level formula. This formula requires two levels. दोनों फॉर्मूला सेम आंसर देता है. व्हाट डिड यू नोटिस फ्रॉम ईयर वन टू ईयर टू? लिवरेज केम डाउन, लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, पब्लिक ऑपरेटिंग रिस्क,
your risk has come down. That's why leverage has come down. तो जो प्रॉफिट का लाइन था उसके लिए लिवरेज यूज नहीं किया जाता है. लिवरेज इज यूज टू इंटरप्रिट द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस. योर रिस्क हैज कम डाउन. ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ मेजर ऑफ MEASURE. ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क. योर ऑपरेटिंग रिस्क हैज कम डाउन. यू हैव डन अ डी रिस्किंग. हाउ वी अंडरस्टैंड टुमारो.